I say there are three things with which you can ace your NET revision exam. Yes, I'm correct. Hello everyone, I'm Tushika, the founder of 1514s. We have started this channel 4 months back, and in these 4 months, or say 120 days, we have posted 70 plus videos and engaged 1 lakh plus audience on our channel and claimed as best YouTube channel for the engineering students too. In today's video, I am going to teach you EBS, that is Environmental Studies. हम कुछ major topics like biodiversity, ecosystem, natural resources cover कर रहे होंगे. सिर्फ cover ही नहीं कर रहे होंगे, हम इसके लिए जो तीन major steps हैं with which you can conquer any exam, that is must do topics, most repeated questions or pro level notes. You will be having those three in the comment section for the free in the pinned comment. And if you are liking the efforts, as I'm also a second year student and I'm putting efforts in this, so what you can do is, for just a grace of appreciation, just click a SS and share on your social media posts. It will help me to cover more audience like you and to help my juniors to have a good score. Thank you everyone, let's enjoy the content. All right, everyone, let's get started with the video. As we have studying over here, Environmental Studies, that is EBS, इसमें आप क्या क्या पढ़ रहे होगे? Let me tell you first. जो हम Environmental Studies का syllabus है, बहुत ही crisp form में, बहुत ही short form में cover करेंगे. Not like that bulky syllabus of other subjects. आपको मजा आएगा video पढ़ने के time पे. तो पहले मैं बता देती हूँ किस system में हम चलेंगे. I will be telling you and teaching you only the must do topics. मस्ट डू टॉपिक्स, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई विल मेक श्योर टू टेल यू कि ये नहीं आती. मस्ट डू टॉपिक्स होते क्या हैं, जो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सेकेंडली, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पीछे आए हुए हैं, दीज आर कॉल्ड एज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम MRQ बुलाते हैं. तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वीडियो को पढ़ते पढ़ते, एंड हेंस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ आपको पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में. हेयर इज इट, इकोसिस्टम. देन आपको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, एंड देन यू विल बी स्टडिंग ऑन टू द बायोडाइवर्सिटी. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के साथ, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाती है हमारी एनवायरमेंटल स्टडीज़ है क्या. बेसिकली एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, आपकी नेचुरल वर्ल्ड को ह्यूमन इम्पैक्ट से जोड़ के एक इंटीग्रिटी परफॉर्म की जाती है. किसकी फॉर्म में, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट कैसे रिलेशन रखता है, क्या क्या आपस में कोरिलेशन है, इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके जो चीज़ दी जाती है, दैट इज़ एनवायरमेंटल स्टडीज़. अभी अगर आपसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में डिफाइन पूछता है, तो 2 से 2.5 मार्क्स की डिफाइन पूछेगा. एंड इफ़ इट इज़ आस्किंग इन दीज मार्क्स, तो आप क्या कर सकते हो, पहले ही अपना ये वाला डिफाइन लिखोगे छोटा सा, एंड देन यू विल बी मेंशनिंग इट एज अ फ्लो चार्ट ओवर देयर. मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ, जो एग्ज़ाम में पेपर करने की अप्रोच होती है, वो क्या होती है, अप्रोच होनी चाहिए आपकी. अगर जो क्वेश्चन है वो 2 से 2.5 मार्क्स का है, अगर क्वेश्चन 5 से 7 नंबर का है और उससे ऑनवर्ड्स है, और उससे ऑनवर्ड्स है, यहाँ पे आप जस्ट एक डिफाइन प्लस एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है. अगर वो 5 से 7 नंबर का है, तो मेक श्योर टू मेक अ फ्लो चार्ट, टू मेक अ फ्लो चार्ट, प्लस में डिफाइन लिखना और एग्जांपल लिखना, ठीक है, 5 से 7 नंबर में. अगर वो 7 नंबर से ज़्यादा का है, तो आप क्या लिखोगे, फ्लो चार्ट के साथ जितने भी फ्लो चार्ट के कॉम्पोनेंट्स हैं उनके लिए वन लाइनर्स भी ऐड करोगे, वन लाइनर्स भी ऐड करोगे, देन उसकी डिफाइन लिखोगे और एग्जांपल लिखोगे, ठीक है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए आपका टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स. इफ़ टॉकिंग अबाउट आपके मिड सेम्स, तो मिड सेम्स में आप ये चीज़ जो नीचे वाली है वो यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, कि जो जो भी पॉइंटर्स आपने फ्लो चार्ट में लिखे हैं उसके लिए एक एक लाइन लिख दो. बट ये चीज़ आपकी 2 से 2.5 नंबर में नेसेसरी नहीं होती. बट येस, इफ़ यू आर नोन टू फ्लो चार्ट, देन देर इज़ के मतलब कोई बैरियर नहीं है कि नहीं बनाओगे, यू कैन मेक, आ जाते हैं. तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, ये पूरा का पूरा नहीं बनाना, यू कैन जस्ट राइट दीज थिंग्स. टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, बेसिक अप्लाइड स्टडीज़ में यूज़ होता है, मॉडलिंग में यूज़ होता है और लाइफ साइंस में यूज़ होता है. ऑलराइट, तो आप कैसा बना रहे होगे, समवट ऑफ दिस काइंड, के ई वी एस के अंदर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और लिख दोगे कि टेक्नोलॉजी, मॉडलिंग, ये सब,
कि टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, अवेयरनेस में यूज़ होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जिन पे सर्कल मारा है सिर्फ वही चीज़ लिखोगे। अब आ जाते हैं एनवायरनमेंट में कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज अ सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल कंडीशन दैट सराउंड, अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनवायरनमेंट क्या है? सोशल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है, फिजिकल कंडीशन है, जो सराउंड करता है, अफेक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है आपकी सर्वाइवल को, आपकी डेवलपमेंट को, आपकी ग्रोथ को। किस किस की? एनिमल्स की, प्लांट्स की। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिफाइन हो गई है। यू कैन सिंप्लीफाई इट इन योर वर्ड्स। मैं बिल्कुल वो नहीं बोलूँगी कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना, ईवीएस इज अ सब्जेक्ट के बस मेरी बात सुनते रहो और उसको ट्रांसफॉर्म कर लेना अपने वर्ड्स में। इस पीडीएफ को कम से कम 2+ टाइम्स पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी चीज़ें ऑटोमेटिकली, एंड यू कैन फ्रेम योर वर्ड्स इन एग्जाम। अभी आ जाते हैं हमारे एनवायरमेंट के ना 4 सेगमेंट होते हैं, इस चीज़ को मैं फ्लो चार्ट से बनाती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया था? एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल स्टडीज। उसके बाद मैंने किसकी डिफाइन पढ़ी? एनवायरमेंट की। अभी नाउ आई एम ऑन द टॉपिक वॉज सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। ऑल राइट, तो हमने पहला ये कवर किया, दूसरा ये कवर करा, थर्डली सेगमेंट ऑफ एनवायरमेंट। इसमें आप ये बनाएंगे, मैं डिफरेंट कलर्ड पेन यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा, समवट ऑफ दिस काइंड, 1, 2, 3 एंड नेमिंग भी हैंड टू हैंड ही कर देते हैं। ये होता है आपका एटमॉस्फेयर। ये चीज़ें ना ये सबको आती होंगी, जस्ट एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो जो मैं बना रही हूँ बनाते जाओ, हैंड टू हैंड लर्न हो जाएगा, बिकॉज ये सब प्रायर पढ़ा हुआ है। मैं भी कोई ऐसे बहुत एडवांस लेवल पढ़ के नहीं बैठी हुई, ये वही चीज़ें हैं जो आप 6th, 7th, 8th क्लास में ईवीएस में पढ़ते थे। इवन 6th, 7th, 8th भी नहीं, 3rd, 4th के बच्चों को भी ये चीज़ें आती हैं। तो जस्ट एक बार तुम्हें देखना है बैठ के और साथ साथ लिख लोगे तो हैंड टू हैंड लर्न हो जाएगा, आई गारंटी। वीडियो एंड तक मेरे साथ बैठ के पढ़ते हो तो यू विल बी एसिंग योर एग्जाम्स। बस लिखते रहना साथ में, मूवी की तरह मत देखना। लिथोस्फेयर एंड इट इज हाइड्रोस्फेयर। ऑल राइट, ये जो बीच में आपका मिडल पोर्शन आया दैट इज द बायोस्फेयर। अब अगर हम लिख लें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? ऐसे ही चीज़ बना के आनी है, ध्यान रखना, जैसे बना रही हूँ बना के आना एज इट इज़। जो चीज़ मैं अलग से इस पीडीएफ में बना के दिखा रही हूँ भाई, ये पीडीएफ तो रट लेना, इस पीडीएफ को रट के जाना जो मैं अलग से बना रही हूँ, बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट जो मैं अलग से लिख के दिखाऊंगी। तो एटमॉस्फेयर में क्या लिखोगे आप? एनवेलप ऑफ एयर, ENVELOPE, एनवेलप ऑफ एयर। एग्जाम्पल में लिखना नीचे O2, CO2 etc. इसलिए बोल रही हूँ लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? लिथोस्फेयर में वाटर आ जाता है, वाटर में आप एग्जांपल में क्या लिख दोगे यहाँ पे? पॉन्ड्स, लेक्स etc. ठीक है, लेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने। यहाँ पे आपका लिथोस्फेयर में आपके आ जाएंगे माउंटेन्स वगैरह। जस्ट अ ग्लिच, आई एम सॉरी, राइटिंग इट अगैन। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर में लिखिए बट वी वर राइटिंग या माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, ये सब चीज़ें। ऑल राइट, हाइड्रोस्फेयर में हम क्या लिखेंगे? पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ये सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, हद से ज़्यादा बेसिक हैं आई नो, बट आपको कैसे बिहेव करना होता है कि एग्जामिनर को नहीं आता, आपको इस तरीके से लिख के आना है कि उसे नहीं आता। अगर ये सोचोगे कि वो समझ जाएगा जो मैंने लिखा है, देन यू वोंट बी स्कोरिंग अ गुड स्कोर। ऐसे लिखो हमेशा कि उसे तुम पढ़ा रहे हो बैठ के, ठीक है? एक एक माइनर माइनर डिटेल मैंशन करोगे तो वो स्टार्टिंग के पेजेस में ना खुश हो जाएगा और अच्छे से नंबर देता हुआ चलेगा। अब जो आपका बायोस्फेयर होता है वो क्या होता है? लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का और एटमोसफेयर का मिक्सचर होता है। यहाँ पे इस कंपोनेंट में क्या होती है? लाइफ पॉसिबल होती है। यहाँ पे क्या होती है? लाइफ पॉसिबल होती है। तो आ जाते हैं बैक हम यहाँ पे, ये आ गया सबसे पहले मेरा एटमॉस्फेयर, सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेयर है, देन यहाँ हाइड्रोस्फेयर है, देन वी आर हियर लिथोस्फेयर एंड देन इट इज बायोस्फेयर। तो एक बार फटाफट से अगर इनके बारे में पढ़ लें, तो जो एनवेलप है, सराउंड कर रहा है अर्थ को, उसे आप एटमॉस्फेयर बुलाते हो। ये प्रोटेक्टिव एनवेलप होता है जो सराउंड करता है अर्थ को, उस पे ऊपर लाइफ बना के रखता है। और यहाँ पे आपके एग्जाम्पल आ गए जो मैंने अभी पीछे लिखवाए हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या है? 75% ऑफ अर्थ को कवर करता है। इसमें ओशियंस भी आ सकते हैं आपके, फ्रेश वाटर भी आ सकता है। जो हाइड्रोस्फेयर है उसके यहाँ पे इसने एग्जाम्पल मेंशन कर दिए। एज आई टोल्ड यू, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। पहले वहाँ फ्लो चार्ट बनाना, फ्लो चार्ट के अंदर भी छोटी छोटी डिटेल्स मेंशन कर देना, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज मेंशन वन लाइनर्स। कितने मार्क्स में आता है ये? 5 नंबर में आ सकता है आराम से, 4 से 5। अगर मिड सेम की बात हो रही है तो 4 से 5, एंड सेम में इट कैन कम 6 से 7।
ओके नाउ इट्स ऑन लिथोस्फेयर, तो सॉलिड कंपोनेंट है अर्थ का, दैट इज लिथोस्फेयर होता है, दैट इज सॉलिड कंपोनेंट, दैट वाज लिक्विड कंपोनेंट एंड इट वाज एयर कंपोनेंट व्हिच इंक्लूड्स सॉइल, अर्थ, रॉक्स एंड माउंटेन्स एक्सेट्रा. इसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं. देखो ये रहा वाला डायग्राम दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. नाउ इट्स ऑन बायोस्फेयर, तो जो सेगमेंट है एनवायरमेंट की कंसिस्ट करती है एटमॉस्फेयर से, लिथोस्फेयर से और हाइड्रोस्फेयर से, उसे आप क्या बुलाते हो? बायोस्फेयर. इन्फ्लुएंस करती है सपोर्ट को द एंटायर बायोटिक एंड एबायोटिक सिस्टम्स. अब यहाँ पे हम पब्लिक अवेयरनेस पे आ गए, तो पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर ऐसा सच क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, बट स्टिल यू कैन गिव इट अ रीड कि आपका पॉपुलेशन जो है वो क्या फैक्टर्स प्ले कर रही है. जस्ट गिव इट अ रीड, मैं रीड लिख के छोड़ रही हूँ इस चीज़ को, रीड. ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार उसकी बुद्धि फिर जाती है तो 3 से 4 नंबर में पूछ लेता है कि पब्लिक अवेयरनेस कैसे करोगे तुम एनवायरमेंटल सिटीज के थ्रू. आया हुआ है बट क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया. कुछ नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जस्ट गिव इट अ रीड. अगर चाहते हो तो मैं अभी एक बार बता भी देती हूँ ऊपर ऊपर का. ठीक है, यहाँ पे आ गए हम डेवलपमेंट एंड फॉरेस्ट पे. हेयर वी आर विद द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, नाउ द रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, एविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. ओके ठीक है, तो यहीं तक है. एक बार हम ऊपर ऊपर का फटाफट से एक्सप्लेन कर लेते हैं सो दैट वी कैन प्रोसीड, बिकॉज ये आया हुआ है इसलिए पढ़ा रही हूँ, रादर आई कैन स्किप इट टू. तो स्टार्ट करते हैं हम पॉपुलेशन के साथ. पॉपुलेशन में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो हमारी 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन समाई हुई है सिर्फ 2.11% ऑफ वर्ल्ड लैंड पे. कितने लैंड पे? Just 2.11% of the world's land pay. It is mentioned over here. India accounts for 16% of the world population, but only has, all right, oh, just a minute, 2.4% of the land area. That is 2.4% of the land area pe. This makes considerable pressure on the natural resources and reduces the gains. So, population ki wajah se kya hota hai? Jo resources hain, wo to limited hain, resources thodi badh jayenge. But as the population is growing day by day, jaise usne bola ke thousands of millions ke usme grow ho rahi hai population, to resources utne hi hain, log badhte ja rahe hain. Wo bhi India mein population bahut zyada tezi se badh rahi hai, to hamare jo resources hain, wo bahut hi zyada exponentially reduce hote ja rahe hain. Yahan pe aa gaya poverty elevation. We are known that every fourth person is below poverty line, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है. बाकी आप इसे रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है चीज़ों में. एग्रीकल्चरल ग्रोथ में वही आ गया कि जो हमारी फर्टिलाइजर और जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे मेजर थ्रेट बन रहे हैं एनवायरनमेंट को. वाई? बिकॉज मान लो कि ये आपके टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, जिसपे फर्टिलाइजेशन होती है. यहाँ पे आपने जाले क्या केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स. यहाँ पे देखो नीचे भी ना ये वाले में भी यही पॉइंट है और इसमें भी यही पॉइंट है. सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर में आप फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करते हो तो जो आगे आने वाली क्रॉप है उसके लिए आपकी जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है. इसके बजाय आप क्या यूज़ कर सकते हो? अपने नेचुरल ट्रीटमेंट्स यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैन्योर हो गया और ह्यूमस हो गया. इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो जो कि नेचुरल है. तो तुम लिख भी सकते हो HUMUS लिखा है ये मैंने, और मैन्योर MANUR. मेरी राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो आई एम स्पेलिंग द वर्ड्स टू, तो साथ साथ लिख रहे हो तो दैट्स अ गुड थिंग. अभी जो नेक्स्ट चीज़ में आ गया दैट इज़ प्रोटेक्टिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम पॉल्यूशन. अभी यहाँ पे जो मैंने दिखाया कि ये जो है तुम्हारा नीला नीला पानी है ये, तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे आपका फर्टिलाइजर तुमने डाला तो वो पानी में भी मिक्स हो जाएगा. अब नाउ फर्टिलाइजर इज अ थिंग फुल ऑफ केमिकल्स, तो वो पानी को भी पॉल्यूट करता है और यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड आर पॉल्यूटेड ओवर द सर्फेस एरिया एंड इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर. आ गई सेम चीज़, तो वही बोल रही हूँ मैं, जस्ट तुम्हें गिस्ट दे रही हूँ, इसे रीड कर लोगे तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी. नेक्स्ट आ गया डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारी अर्बनाइजेशन आ रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंपनी. तो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की नॉलेज है तो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना वहाँ पे टर्शरी सेक्टर पे काम हो रहा होता है. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे कौन से सेक्टर पे काम हो रहा होता है, सेकेंडरी सेक्टर पे काम हो रहा होता है. तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर की वजह से इंडस्ट्री सेटअप होती है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा होता है. सेकेंडरी सेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा हो रहा होता है. तो हमारी क्या आ रही होती है, इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. आई नो थोड़ा गंदा कर दिया बट साथ साथ लिख रहे हो ना तो लिखते रहना, लिखोगे नहीं तो भाई तुम्हारा पर्सनल लॉस है. और प्लस में अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन क्या होता है,
अर्बनाइजेशन होता है, आपके विलेजेस को हटा के फॉरेस्ट को कट डाउन करके आप अर्बन एरिया बना रहे हो, रूरल टू अर्बन में कन्वर्ट कर रहे हो। सिमिलरली इंडस्ट्रियलाइजेशन इज सेम थिंग कि आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो। नेक्स्ट आ गया डिग्रेडेशन हो रही है लैंड की। डिग्रेडेशन कैसी हो रही है लैंड की, बिकॉज आप जो लैंड है उसे बहुत ही वास्टली इनॉमसली डिग्रेड करते हुए उस पर चीज़ें सेटअप कर रहे हो। नेक्स्ट आ गया रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, दैट इज कि जो आपकी नेचुरल स्पीसीज हैं, SPECIES स्पीसीज हैं, वो क्या होती जा रही हैं, वल्नरेबल होती जा रही हैं, है ना, ख़त्म होती जा रही हैं, एग्जॉटिक स्पीसीज बनती जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें कहना जा रहा है कि रिडक्शन हो गई तुम्हारी जेनेटिक डाइवर्सिटी में। नेक्स्ट आ गया इसका एविल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्बनाइजेशन। देखो इसने वही बात बता दी अर्बनाइजेशन वाली, कि जो 27% इंडियंस हैं वो लिव करते हैं अर्बन एरियाज में, अर्बनाइजेशन एंड जो टर्म बोली थी वही आ गई। देखो अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ गिवन बर्थ टू ग्रेट नंबर ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड नीड अ अर्जेंट अटेंशन। यहाँ पे ओवर 30% जो अर्बन इंडियंस हैं वो लिव कर रहे हैं स्लम एरियाज में। जो 30% अर्बन इंडियंस हैं वो कहाँ पे लिव कर रहे हैं, स्लम एरियाज में। आउट ऑफ इंडिया 324 towns एंड सिटीज ओनली 21 हैव पार्शियल और फुल सीवेज एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड स्कोपिंग अप विद द रैपिड अर्बनाइजेशन इन द मेजर चैलेंज। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन अच्छी होने के बाद भी बहुत खराब है, अभी तक लोग जो हैं फुल सीवेज और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को फेस नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट आ गया एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, लिख सकते हैं इसके बारे में तो हम खुद से कि एयर कितनी ज़्यादा पॉल्यूट होती जा रही है, आपकी जो CFCs गैसेज हैं वो एयर में रिलीज हो जाती है, इस वजह से आपकी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी ख़राब कर रही है। सिमिलरली जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट होती है एयर के लिए, जो आप फ्यूल जलाते हो उसमें से रिलीज होती है, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है दैट इट कैन सफोकेट अ पर्सन इन अ रूम एंड कैन इवन लेड टू डेथ, है ना। ऐसे यहाँ पे आ गया आपका वाटर पॉल्यूशन, यू कैन सिंपली टेल अबाउट वाटर पॉल्यूशन टू, के पानी कैसे पॉल्यूट होता है, बी पीपल आर थ्रोइंग वेस्टेज इन द वाटर वगैरह वगैरह। इसे रीड करोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, इवन तो रीड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम ईवीएस जैसे सब्जेक्ट को भी रट रहे हो तो भैया जी जीवन बर्बाद है, क्यों ले ली इंजीनियरिंग। चलो नेक्स्ट जाते हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये अच्छे पॉइंट्स हैं, यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन योर फ्रेमिंग आंसर्स। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ कि आप जस्ट पॉइंट्स को याद करो, किसको याद करो, पॉइंट्स को याद करो और उसे आंसर फ्रेम करने में, आंसर फ्रेम करने में यूज करो। तुम अभी देखोगे पूरी वीडियो के टाइम पे मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो तुम्हें आंसर फ्रेम करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे अभी कुछ कुछ बताती हूँ, देखो यहाँ पे उसने बोला कि जो आपका ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए हमें, अब ये यहाँ पे ना क्रिएटिंग अवेयरनेस बता रहा है और ये पूछा जाता है कितने मार्क्स में आ जाता है, ये यदि ये 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है, देख हाउ कैन यू स्प्रेड अवेयरनेस, और ये मेरे टाइम पे भी आया था, ठीक है, 22 के पेपर में ये आया था। क्या बोला था इसने कि जो स्टडी नेचर है उसमें ये सब चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो टू स्प्रेड अवेयरनेस। उसने बोला कि न्यूज़लेटर ये वाला, BNHS हॉर्नबिल और आपकी सेंचुरी मैगजीन के आर्टिकल्स और पीरियडिकल्स को लाइक डाउन टू अर्थ इन्हें रीड कर सकते हो, रीड करने के लिए रिकमेंड कर सकते हो, लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। एनवायरमेंटल इश्यूज किसके साथ, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ आप क्या कर सकते हो, लोकल मूवमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जैसे कि होता है ना काफ़ी सारे NGOs लोकल मूवमेंट्स चला रहे होते हैं जिसमें कि हम गार्बेज को पिक करके ला रहे होते हैं। यार मेरे को ना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा माइक आज वर्क नहीं कर रहा है, तो तुम एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बहुत ट्रैफिक का आवाज़ आ रहा है बिकॉज आई एम शूटिंग एट नाइट। आ जाते हैं आगे, रिड्यूसिंग यूज ऑफ प्लास्टिक्स, गोइंग फॉर नेचर पार्क्स, प्रैक्टिस नहीं डाटा डाटा, समझ गए ना, ये चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी होती है कि रीयूज रिड्यूस वाली चीज़ यूज़ कर लो, प्रैक्टिस करा करो 3 आवर्स को, एनवायरमेंटल डे मनाना चाहिए आप लोगों को और अपना एक इसके लिए प्रोग्राम इन्वेंट करना चाहिए अपनी सोसाइटी वगैरह में, नेचुरल पार्क सेंचुरी में टाइम स्पेंड करना चाहिए, नेचुरल हैबिटेट में टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने होम के साथ। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी इंस्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे तुम्हें एग्जाम पेपर में, डो नॉट वरी, बट इन्हें एक बार रीड कर लेना। अभी हम आगे नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ अवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डिफाइन आती है भैया जी, तो हम इस पे स्टार मार्क कर लेते हैं, कितने मार्क्स की आएगी, 2 से 2.5 नंबर की। इकोसिस्टम की डिफाइन वो आपसे पूछ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम मिला ब्लू के, ये एक लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन बनता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, इसका लॉन्ग आंसर टाइप भी बन सकता है कि पहले पूछ लेगा डिफाइन करो इकोसिस्टम को, फिर कहेगा उसके कंपोनेंट्स बताओ, फिर कहेगा उसके कंपोनेंट्स को भी आगे एक्सप्लेन करो ब्रीफ में। तो वो ब्रीफ का मतलब क्या होता है कि पहले आपने कंपोनेंट्स का एक फ्लो चार्ट बना दिया और उसको 1 से 2 लाइंस में ब्रीफ कर दिया, दैट्स ऑल फॉर द
क्वेश्चन. अभी आपका आ गया कि इकोसिस्टम होता क्या है. तो इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट. जहाँ पे आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट की है उससे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. तो जो इकोसिस्टम है वो इसने बना था अटाटा बेकार है. इसे लिख लेना बस कि क्या है ये, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इसमें आपकी इकोलॉजी की, जिसमें आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से और एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हैं. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? इको सिस्टम. क्या बोला उसने सबसे पहले कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, फिर उसने क्या बोला आपको फंक्शनल यूनिट है. ऑलराइट, उसके बाद उसने क्या बोला आपको कि इसमें इंटरैक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसके साथ, विद एनवायरनमेंट. आई बात समझ में? तो इकोसिस्टम क्या है, जिसमें आपकी इंटरेक्शन होती है लिविंग बींग्स की एनवायरनमेंट के साथ. अभी आ गया स्ट्रक्चर क्या होता है इकोसिस्टम का. तो इकोसिस्टम इज मेनली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक. दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक. बना लें जल्दी से. तो मेरा जो इकोसिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. बायोटिक, भाई जितने फ्लो चार्ट्स मैं बना रही हूँ प्लीज़ साथ में बनाते रहना. इट्स नॉट अ प्लीज़, इट्स अ कमांड कि जाओ कॉपी लो अभी तक नहीं लिए और बनाओ साथ साथ, क्योंकि याद हो जाएगा. अभी बार बार वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है. सेम चीज़ रिपीट करोगे और या फिर पीडीएफ वगैरह दोगे. मैं पीडीएफ नहीं दूंगी, पहले बता रही हूँ, इसलिए साथ साथ लिख लो. बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑलराइट, तो बायोटिक में क्या आ जाते हैं, जितने भी मेरे लिविंग कंपोनेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, टॉप लेवल कार्निवोर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, ये सब होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट में. ए बायोटिक में क्या आ जाती है, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, ये सब चीज़ें. पढ़ें फटाफट से इसके बारे में. तो ये आ गए तुम्हारे बायोटिक कंपोनेंट. देखो अभी बताया था कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स में भी आपके टाइप्स आ गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर. फिर आ गए तुम्हारे क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा होता, इसे हटा भी सकते हो. एंड देन आ जाते हैं आपके डिकम्पोजर्स. तो हम बना लें फटाफट से. दीदी हमने बायोटिक में क्या पढ़ा कि सबसे पहले कौन आ रहे होते हैं, प्रोड्यूसर. उसके बाद दीदी कौन आ रहे होते हैं, कार्निवोर. दीदी उसके बाद कौन आ रहे होते हैं, डिकम्पोजर्स. आई होप ये दीदी बोलने वाली हैबिट इरिटेट नहीं कर रही होगी, एज आई हैव लिसनड इट इन कॉमेंट कि ये इरिटेट करती है. बट इट इज़ अ थिंग कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो आपके बदले में मैं खुद से क्वेश्चन करके चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है. सो डोंट टेक एज अ थिंग टू इरिटेट, रादर देन टेक इट एज अ बून दैट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन इन रिटर्न ऑफ यू, बिकॉज ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है तो यू पीपल कांट आस्क, है ना. तो पहले आ जाते हैं प्राइमरी में. प्राइमरी में भी क्या आ जाता है, सबसे पहले हर्बीवोर्स. सही लिख रही हूँ ना? एक बार चेक कर लेते हैं. कार्निवोर में, हाँ, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप लेवल कार्निवोर, ठीक है जी. तो हर्बीवोर, इट्स बेटर टू कंफर्म रादर देन टीचिंग रॉन्ग आई बिलीव. तो एक बार देख लेते हैं बीच में हर्बीवोर. उसके बाद आ गया कार्निवोर, एंड देन इट इज टॉप लेवल कार्निवोर. ऑलराइट, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एबायोटिक. पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, आई गेस दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन. तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, इफ आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट, तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, दोज हु मेक देयर ओन फूड विद हेल्प ऑफ सनलाइट. प्रोड्यूसर कौन होते हैं, लिख देते हैं. प्रोड्यूसर कौन होते हैं, मेक्स देयर ओन फूड किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से. ऑलराइट, इसके बाद क्या जाते हैं मेरे कार्निवोर. कार्निवोर कौन होते हैं, दोज हु ईट, तुम्हारे प्रोड्यूसर. सिमिलरली आ जाते हैं डीकम्पोजर्स. जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये लास्ट स्टेप माने जाते हैं एनी बायोटिक प्रोसेस का. वाई, बिकॉज दे ईट, और तुम कह सकते हो डिजोल्व कर देते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स को इन द अर्थ इटसेल्फ. तो दोबारा से वही चीज़ चालू हो जाती है. अगर ये प्लांट नीचे सॉइल में मिल गए तो वहीं से फिर सीडलिंग दोबारा उगता है, बिकॉज दे एक्ट एज अ ह्यूमस और मैन्योर, यू कैन से. इनकी जो डेड बॉडीज होती है वो उसकी तरह एक्ट करती है. डीकम्पोजर्स होते कौन है, बेसिकली फंगाई हो गई, बैक्टीरिया हो गई, ये सब चीज़ें. गॉट दैट. यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे एग्जाम्पल में, प्लांट्स.
ये बीच के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो भी एक दूसरे को खाते हैं वो कौन हो जाते हैं, कार्निवोर। कार्निवोर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वी हैव स्टडीड ओवर हियर। हर्बीवोर, हर्बीवोर के बारे में एक लाइन लिख दोगे, यहाँ पे कार्निवोर के बारे में एक लाइन लिख दोगे, एंड हियर वी विल बी राइटिंग अबाउट टॉप लेवल कार्निवोर। सॉर्टेड, डन है, आगे आ जाते हैं। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यहाँ से पढ़ के वहाँ पे लिख देना, एक बार पढ़ लेना। देखो यहाँ पे लिखा है कार्निवोर जो है वो कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे जो हर्बीवोर हैं वो किस पे रिलाई करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे, तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, नथिंग डिफरेंट। अब आ जाते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। एज आई टोल्ड यू, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर दोर कंपोनेंट्स हुज आर नॉन लिविंग इन आर इकोसिस्टम, दीज आर कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एटमोसफेयर आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा। ठीक है, लिख दें, लिख देते हैं, आपका फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा इस वजह से। एयर, वाटर, सनलाइट और कौन सा था भाई, कौन सा भूले, एयर, वाटर, सनलाइट और सॉइल। ओके, अब ये जो तुम्हारा फ्लो चार्ट बनके प्रिपेयर हुआ है, यू कैन यूज इट डेफिनेटली फॉर अ 5 मार्कर क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए, एज इट इज ये बना के आना और एक एक लाइन मेंशन कर देना। आई हैव ऑल्सो ऑलरेडी टोल्ड यू इन द PDF कि कहाँ से क्या क्या चीज़ मेंशन करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बड़े आराम से मिड सेम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जाते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो उसने बोला फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का, क्यों होता है इकोसिस्टम। अच्छा, अगर मैं रेगुलर क्वेश्चन पूछूं नॉर्मल बेसिस पे तो इकोसिस्टम का क्या फायदा है, इकोसिस्टम का फायदा है हमारी जो रेगुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस है उन्हें मोशन में रखना। लाइक एक प्लांट ने दूसरे प्लांट को खाया, तीसरे ने उसे खाया, फिर चौथे ने उसे खाया, तभी तो वो मोशन में रहा ना। अगर सारे जीव जंतु जीवित रह जाते तो ऐसे तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जाती है ना। तो बायोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए इकोसिस्टम इज अ थिंग दैट मैटर्स। तो यहाँ आ गया एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम एंड रेंडर्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी लेके आता है, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये नेचुरल मैन्योर का काम करता है, एज आई टोल्ड अर्लियर। यहाँ आ गया साइकिल ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करवाता है, ट्रॉफिक लेवल्स को मेंटेन करता है ये, और साइकिल ऑफ मिनरल्स जो हैं उन्हें बनाए रखता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज इट मीन बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, लिख लेना इसे अच्छे से। 10% रूल क्या है, 10% रूल। 10% रूल को मैं अलग से PDF में भी बल्कि मेंशन कर देती हूँ, बिकॉज मैंने बोला है कि PDF की चीज़ें तुम रट के जाओगे तो होपफुली तुम लर्न कर लोगे इतना बोलने के बाद। देन व्हाट इज 10% रूल, 10% रूल इज, याद कर लूँ चलो लिखो, एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू सबसीक्वेंट ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी ग्रास थी, इसके पास 100% एनर्जी थी, ठीक है। अब मान लो ग्रास को खाया काओ ने, फॉर एग्जाम्पल ये काओ है, कौन है, ये एक काओ है। अब काओ को किसने खाया, लायन ने। अभी जो काओ के पास एनर्जी थी ना वो कितनी आई, जस्ट इसका 10%, दैट इज दिस। अब इसका भी 10%, तो मेरा जो व्हाट आई हैव राइट, ओके लायन लिखना चाह रही थी मैं, लायन है भाई ये, है ना, लायन के पास कितना आया, 1%। तो दैट इज कॉल्ड एज 10% रूल। 10% रूल का आप यूज किसी भी आंसर को फ्रेम करने के लिए कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द थिंग्स अ टीचर वॉन्ट टू सी इन योर एग्जाम शीट। समझ रही हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, क्लियर है, ऑल सॉर्टेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी यहाँ पे आ गया प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिशन साइकिलिंग। तो यहाँ पे क्या आ गए, फंक्शन यूनिट्स बता दी उसने इकोसिस्टम की, फंक्शन ये आ जाता है आपसे लिखने में कि फंक्शन यूनिट्स बना दो। तो उसने क्या बोला, प्रोडक्टिविटी को बनाए रखता है, एनर्जी फ्लो को बनाए रखता है, यही चीज़ अभी बताई थी एनर्जी फ्लो वाली आपको मैंने। नेक्स्ट आ गई डिकम्पोजिशन को बनाए रखता है और ये न्यूट्रिएंट साइकिल को भी बनाए रखता है। व्हाट इज न्यूट्रिएंट साइकिल, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर। नेक्स्ट आ गया फूड चेन, अभी जो फूड चेन है और जो हमारा फूड वेब है दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आ गई मेरी फूड चेन। फूड चेन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन अ सिंगल फॉर्म। फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रास थी, ग्रास को किसने खाया, ग्रास में मान लो फ्लावर था, फ्लावर पे बटरफ्लाई बैठी, बटरफ्लाई को फ्रॉग ने खा लिया, लिख देती हूँ। फ्लावर था, फ्लावर पे कौन आई, तितली आ गई बहुत ही सुंदर तितली बनाई है। तितली पे कौन आया, फ्रॉग, फ्रॉग बन ही नहीं सकता।
फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। किसने खाया? स्नेक ने। तो ये क्या था? फ्लावर, बटरफ्लाई, ये है मेरा फ्रॉग और ये है मेरा स्नेक, ठीक है। तो ये क्या बन गई? मेरी एक फूड चेन बन गई, ठीक है, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरा किस किस प्रोसेस के बाद क्या क्या चीज़ हैपन हुई है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ फूड वेब, दैट इज़ फूड वेब। एज द नेम सजेस्ट, वेब है। इसका मतलब क्या है? ये इंटरकनेक्शन है। इसका मतलब क्या है? ये इंटरकनेक्शन है फूड चेन्स का। किसका? इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स है ये। ऑल सेट, समझ में आया? अभी अब हम फटाफट से रीड कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी इन विच द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अदर एंड इटसेल्फ कंज्यूम बाय अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी इज कॉल्ड एज फूड चेन। उसने क्या बोला? जो ऑर्डर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी में, इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है दूसरे को इन ऑर्डर टू ट्रांसफर एनर्जी इज कॉल्ड एज फूड चेन। अभी भी यही रीजन बताया था। अगर आपसे पूछता है कोई इन जनरल कि फूड चेन का बेसिक पीछे का रीजन क्या है, देन इट इज़ ओनली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। यही सेम चीज़ एज इट इज़ मैंने अभी तुम्हें 5 मिनट पहले बोली थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी में रहते हैं और उस कम्युनिटी में एनर्जी के एक्सचेंज के लिए हम फूड चेन का यूज़ करते हैं। ये क्या होती है? चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है एक्जिस्टिंग इन नेचुरल कम्युनिटी थ्रू द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड। किसके थ्रू? एनर्जी जो कि ट्रांसफर हो रही होती है। जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं अपना खुद का फूड किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसलिए हम बुलाते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कौन है? सन है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू प्लांट्स फॉर मेकिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर गेट द फूड दे नीड। इसलिए जो हमारे ह्यूमंस हैं या फिर हमारे जो अदर एनिमल्स बोलोगे आप, वो क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं, बिकॉज या तो वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर वो अनदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। यहाँ पे आ गया ट्रॉपिक लेवल्स कौन कौन से होते हैं फूड चेन में। तो दोबारा से हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स को हम ऑटो ट्रॉफ्स भी बुलाते हैं। ऑटो ट्रॉफ्स मतलब दोज हू मेक देयर ओन फूड। मेक, बहुत बार बता रही हूँ मैं एक ही चीज़, सो आई गेस लर्न हो जा रही होगी इतने में, है ना। मेक देयर ओन फूड किसकी हेल्प से बनाते हैं? ये सनलाइट की हेल्प से। और कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस। जितनी चीज़ आती है ना, तुम्हें सारी रामायण लिख के आना, अच्छे से लिखना है। हाँ, बट ये मत करना कि पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते ही चले गए। एज सच में भी लिखना भी सिखाऊंगी, चिंता मत करो, बट हाँ अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना। नीला काला पेन यूज़ कर लेना, ज़रूरी नहीं है सारा पेपर एक ही पेन से लिखाओ। अच्छे से थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना क्लीननेस से पेपर करना, एटलीस्ट शुरू की 2-3 चीज़ साफ साफ करना शीट्स को, जिससे कि टीचर को लगे हाँ भाई बच्चे को आता है। बिकॉज आपको आता हो ना आता हो, पूरा सेमेस्टर कुछ भी ना पढ़ाओ या सब कुछ पढ़ाओ, बट अगर आप वहाँ पे उस एग्ज़ाम शीट पे नहीं लिख के आए तो व्हाट मैटर्स? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इतना पढ़ने का या फिर एंड मोमेंट पे भी इतनी लेबर पुट ऑन करने का। बिकॉज टेलिंग ऑनेस्टली ज़रूरी नहीं है पूरा सेमेस्टर पढ़ रहे हो। मैं खुद अभी तुम्हें बैठ के पढ़ा रही हूँ और अभी मैंने अपना भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वाई? बिकॉज अभी तुम्हारे ही कोर्स अपडेट करती फिर रही हूँ, वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं यूट्यूब पे, एक दिन में 2-2 वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी है, नोट्स मिल रहे हैं तुम्हें रेगुलर, तो मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। वेबसाइट बन रही है तुम्हारे लिए, दिख रहा होगा, तो अभी मैं भी जस्ट पढ़ना स्टार्ट करूँगी इसके बाद। और द मेन थिंग इज़ यू आर नोन हाउ टू प्रेजेंट द एग्जाम इन द एग्जाम शीट। जो तुम आंसर देख रहे हो उसको प्रेजेंटेशन कैसे दोगे, तो वही चीज बेस्ट है यार। ये वन शॉट देखो, फटाफट से लिख लिख के प्रैक्टिस करना। इसीलिए मैं इस वीडियो में भी, तुमने भी देखा है शुरू के शायद 25-20 मिनट हुए होंगे, एंड आई हैव रिटेटेड इट मल्टीपल टाइम्स कि लिख लिख के करो, लिख लिख के करो। व्हाई द थिंग इज बिकॉज यू विल बी नोन टू हाउ टू राइट इन एग्जाम। अभी मैं लिख लिख के दिखा रही हूं, देखो मैं तो बल्कि पढ़ रही हूं, तुम्हें पढ़ा रही हूं, स्टिल आई एम राइटिंग। व्हाई? बिकॉज आई नीड टू मेक यू पीपल रिमेंबर कि क्या हम पढ़ रहे हैं। गेटिंग? तो लिख लिख के करो। और द मेन थिंग वॉज यू शुड बी नोन हाउ टू प्रेजेंट एन एग्जाम शीट। तो पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिख के साफ साफ पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखना। टाइम मिलता है लास्ट में, इवन मिलना ही चाहिए, तो उन पॉइंटर्स में जो मेन मेन वर्ड्स है उसे अंडरलाइन कर देना। फ्लो चार्ट बनाना, ईवीएस में कहीं से कोई मार्क्स नहीं काटेगा इफ़ यू आर डूइंग दीज थिंग्स। साफ साफ पेपर करके आना, प्लस में जो पॉइंट्स बता रही हूँ बीच बीच में उन्हें नोट करते जाना, बिकॉज वहाँ पे पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं कि कितना वैल्यूएबल आंसर आप लिख रहे हो, क्योंकि वहाँ तुम अकेले नहीं होगे जो बना के लिख रहे होगे, सारी जनता ईवीएस का पेपर बना के ही लिखती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो टीचर बहुत लीनियन चेकिंग नहीं करता, मार्जिनल चेकिंग होती है कि ऑप्टिमम मार्क्स मिले, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे होंगे, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा आंसर सच में अच्छा नहीं है। गेटिंग रियलिटी बताइए ये मैंने। तो जो मैं पॉइंट्स बीच बीच में मार्क कर रही हूँ कि इसे याद करो, इसे याद करो, इसे याद करो, उन पॉइंटर्स को याद करना और उसे किसी भी आंसर को फ्रेम करने के लिए तुम यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर्स के बारे में मैंने बता दिया कि आप खुद अपना खाना खुद बनाते हैं, सन की हेल्प से बनाते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे बना रहे होते हैं। कंज्यूमर्स में हमारे दोबारा से 3 टाइप के कंज्यूमर आ गए। प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे आप क्या बुलाते हो? हर्बीवोर्स। उसके बाद आ गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, जिन्हें आप क्या बुलाते हो? टॉप लेवल
कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिन्हें आप क्या बुलाते हो कार्निवोर्स, और टर्शरी कंज्यूमर जिन्हें आप क्या बुलाते हो टॉप लेवल कार्निवोर्स। डन है जी। फिर आ जाते हैं मेरे दीदी डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, अपियर इन द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन, प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन कंप्लीटिंग द फूड चेन। यही होते हैं जो एक फूड चेन को कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर सारे एनिमल्स ने एक दूसरे को खा लिया एंड दे आर डेड, देन हु विल डीकम्पोज देम, हु विल डिसॉल्व देम इन सॉइल बैक एंड फॉर्म द प्लांट्स अगैन। जो इनिशियल स्टेप था प्लांट्स के उगने वाला, वो दोबारा से कौन किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, डिकम्पोजर्स की वजह से। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा फ्लो चार्ट आई हैव मेंशन फॉर यू, दैट इज वर्थी। इसे बना के आओगे तो अच्छा लगेगा टीचर को, तुम्हें भी सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या फर्स्ट स्टेप था दीदी मेरा सन, है ना। सन के बाद जिसने एनर्जी ली सन से, दैट वॉज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ने एनर्जी लिया था और इसने अपना खाना खुद बनाया था, इसे आप ऑटोट्रॉफ भी बुलाते हो। जितने नाम पता है सब सब लिख देना, छोड़ना नहीं है कुछ, क्योंकि वहां पे जो लिखोगे उसी के नंबर है। तुम्हें नाम पता है और तुमने शीट पे नहीं लिखा तो तुम बेवकूफ हो, ठीक है। जितने वर्ड्स पता है सब लिख के आना, जितने वर्ड्स बता रही हूँ बार बार। अब यहाँ पे कंज्यूमर वन लिखा है, कंज्यूमर वन को आप क्या बुलाते हो, प्राइमरी कंज्यूमर भी बुलाते हो, है ना, हर्बीवोर भी बुलाते हो। तो ये सब वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, मेक श्योर यू आर राइटिंग देम इन एग्जाम शीट। अगर आता है और नहीं लिख रहे हो तो भाई फायदा नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां पे जब लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड आ गया प्राइमरी कंज्यूमर के बाद, इसे हम क्या बुलाते हैं, टॉप लेवल कार्निवोर, है ना। यहाँ पे भी प्राइमरी के बाद कार्निवोर है, कहीं तुम प्राइमरी हर्बीवोर ही लिखाओ बुद्धू। नेक्स्ट आ गया क्वाड, ये वो है फोर्थ वाला, दैट वॉज नोन एज क्वाड्रिलेटरी, पता नहीं, रुको देख लेते हैं, बहुत ऊपर था यार, पर सच में दिखाऊं क्या, गिरा देखो, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, खो गया हमारा पेज। हाँ, QUARTENARY क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या जाता है, लास्ट स्टेप इज डीकम्पोजर्स। इसे आप मेंशन करो ना करो ऑप्शनल है, बट ये अच्छा लग रहा है हेक्सागनल तो लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये देखो ये रहा हमारा फूड वेब। फूड वेब मैंने अभी बताया था, बेसिकली इट इज़ अ इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, है ना जी, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा फूड ये था सबसे पहले, ये मेरा फर्स्ट स्टेप आ गया सन, सन के बाद ये मेरा नेक्स्ट चीज़ आ गया ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स के बाद इसने सिखाया, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया हर्बीवोर, ये क्या हो गया हर्बीवोर। हर्बीवोर को किसने, यहाँ पे हमारा ये आ गया बीच में कार्निवोर, ये आ गया मेरा बीच में कार्निवोर, 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 और ये कौन है वुल्फ, कौन है यहाँ पे टॉप लेवल कार्निवोर, टॉप लेवल कार्निवोर। समझ आ गया, आई होप क्लियर हो गई होगी चीज़, पिक्चर की फॉर्म से भी समझ लिया अब तो आपने। तो यहाँ पे आ गई मेरी फूड वेब, फूड वेब को फटाफट से डिफाइन कर लेते हैं। फूड वेब क्या होता है, वेब मीन्स नेटवर्क, और आपका फूड वेब इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, सो फॉर्म अ नंबर ऑफ फीलिंग फीडिंग रिलेशनशिप्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। तो ये क्या बनाता है, डिफरेंट रिलेशनशिप्स बना देता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी, दैट इज व्हाट अ फूड वेब इज। दो तीन बार रिपीट कर चुकी हूँ, आई होप समझ में आ चुका होगा, आई एम नॉट गोइंग टू द ऑल दिस, बस ऊपर से दिखा देती हूँ कि आइसोलेटेड जो इकोसिस्टम होता है उसमें आ रही होती है मेरी फूड चेन, और एक अगर मैं वास्ट व्यू से देखूँ तो मैं फूड वेब को कंसिडर करती हूँ। सिंगल इकोसिस्टम की बात करूँ तो मेरी फूड वेब कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फूड चेन फॉर अ सिंगल इकोसिस्टम, जो फूड वेब है उसमें सारी की सारी फूड चेन्स आ रही होती हैं। तो ये इंटरकनेक्शन होता है, ओवरलैपिंग होता है फूड चेन्स का, इन इकोसिस्टम एक का फूड वेब, जो इंटरकनेक्शन है और जो ओवरलैपिंग है फूड चेन्स की, वो क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती है। जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं वो उन्हें ईट करते हैं, क्वार्टरनरी कंज्यूमर फॉर एग्जांपल हॉग जो है वो किसको खा जाती है, आउल को खा जाती है। जो मेरा फूड चेन है वो पॉप टॉप प्रीडेटर एंड एनिमल विद नो नेचुरल एनिमी सच एज एलिगेटर। बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा दिया मैंने, इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने का नीड नहीं है, यू कैन इवन स्किप दिस, स्किप को नहीं रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज द मोस्ट वांटेड क्वेश्चन बाय द एग्जामिनर, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मैं पहले बता देती हूँ, ठीक है। अच्छे से समझना पिरामिड वाले टॉपिक को, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पूछा जाता है। इकोसिस्टम है ना नाम, इकोसिस्टम ऑफ पिरामिड्स, टॉपिक का नाम गलत ना लिख दें, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, या इकोलॉजिकल
आयरन मिथ्स। अब जो पीडीएफ है या फिर कोई भी जो टीचर है वो मानता है कि आपको चीज़ें आती होंगी और वो एडवांस लेवल से पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, बट आई वॉन्ट यू टू ग्रैप फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल। तो एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड होता है इट इज़ बेसिकली इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इज योर पायरामिड ऑफ नंबर्स, नेक्स्ट इज योर पायरामिड ऑफ बायोमास, एंड थर्डली इट्स योर पायरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये तीन टाइप के पैरामिड्स होते हैं। इस समवन आस्क यू कि कितने टाइप के हैं, बिकॉज इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है, दे देता है आईक्यू कि टोटल नंबर ऑफ पैरामिड्स बताओ कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यू विल बी मेंशनिंग इट्स थ्री टाइप्स एंड द पिरामिड्स के होते कौन कौन से हैं। अब आ जाते हैं कि पिरामिड्स बनते कैसे कैसे हैं, ये तो मैंने तुम्हें क्लासिफिकेशन करके दिखा दिया। अब टाइप्स क्या होते हैं उसके, तो टाइप्स होते हैं तीन टाइप के। तो मैं जो बेसिकली अभी जो ऊपर क्लासिफिकेशन बताई है उसमें इन्हीं टाइप्स का यूज़ करना होता है। तो पहला होता है अपराइट, फिर होता है डाउनवर्ड्स, फिर आता है आपका स्पिंडल। स्पिंडल ये तीन टाइप यूज हो रहे होते हैं। तो अपराइट क्या होता है, ऐसा बना हुआ जो कि नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, कि प्रोड्यूसर मान लो ज्यादा है हर्बीवोर, फिर उससे कम है, और उसके बाद टॉप लेवल कार्निवोर एक ही होता है ना। गास कितनी सारी होती है ना, उसके ऊपर आपके कुछ कुछ हर्बीवोर्स घूम रहे होते हैं वो जो कि नंबर्स में ज्यादा होते हैं, और सब टॉप लेवल कार्निवोर कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है, मान लो वुल्फ हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि एक ही होता है, बट हाँ जो बहुत सारे हैं वो कम नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर्स, समझ आ गया। तो ये प्रोड्यूसर्स थे या हर्बीवोर्स थे, कार्निवोर्स थे, और यू कैन ऑल्सो मेंशन द टॉप लेवल कार्निवोर्स एट द टॉप। अब डाउनवर्ड्स कौन से चलते हैं, जो हमारे ऊपर से लेकर के नीचे आ रहे होते हैं। अभी यहाँ पे मैं बोलूँ तो इसके एग्जाम्पल में ना आपका फिशिंग सिस्टम आता है, एक्वेटिक सिस्टम आता है, लाइक जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन वगैरह। तो जो स्मॉल फिशेज होती है ना वहाँ पे, वो कम नंबर, ये ना बायोमास में यूज होता है डाउनवर्ड्स वाला, किसमें, बायोमास में। जो वहाँ पे आपका एक्वेरियम में क्या होता है, जो बायोमास है, जो वेट है बड़ी फिशेज का, वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेरेटिव टू छोटी फिशेज का वेट। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश करी है। वहाँ पे तो ये होता है जो छोटी फिश होती है वही हमारी वो ज़्यादातर होती होंगी जो पेड़ पत्तियाँ खाती होंगी, और जो बड़ी बड़ी फिशेज हैं दे ईट द स्मॉल फिशेज। तो यहाँ पे जो मास है बड़ी वाली फिशेज का वो ज़्यादा होता है फ्रॉम द छोटा वाला फिशेज। तो यहाँ पे वो एग्जांपल आ जाएगा। स्पिंडल शेप क्या होता है, काजू कतली। स्पिंडल शेप इज काजू कतली। तो जो काजू कतली की शेप में होता है दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख लो, लिखवा देती हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा एक्वाटिक बॉडीज, एक्वेटिक एग्जाम्पल में लिख लो एक्वाटिक ऑफ बायोमास। यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल में फॉरेस्ट ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स लिखवा रही हूँ ना, ये अभी जो ऊपर क्लासीफाई करके आयो वही लिखवा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे बायोमास लिखवाया, यहाँ पे नंबर्स लिखवाया, तो ये ऊपर वाले का ही एक सब पार्ट है जो आई एम टेलिंग यू। अभी समझ जाओगे जैसे जैसे टाइम आएगा। दिस टॉपिक इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड आई मस्ट से, इस पर मैं अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर दूंगी, नो नीड टू वरी। अब आ जाते हैं अपराइट में। अपराइट में आप कह सकते हो अपराइट में क्या एग्जाम्पल ले हम, ठीक है चलो अभी अपराइट का देख लेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा ऑप्टिमम, ठीक है जी। नेक्स्ट जाते हैं ये रहा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ने हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जब होते क्या है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टू शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोमास, प्रोडक्टिविटी ईच टॉपिक लेवल इज हैविंग। ये दिखाने के लिए कि कितना बायोमास है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितने उसमें ऑर्गेनिजम रह रहे हैं हर एक टॉपिक लेवल में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी पिरामिड। ये तीन टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखो, यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया था पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, और उसके बाद कौन सा होता है, एनर्जी ऑफ पिरामिड्स, वही वाला पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आ गया मेरा पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर्स में हम क्या दिखा रहे होते हैं, बेसिकली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक लेवल, उसकी बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ गया एक्वेटिक और ग्रासलैंड का, फिर आ गया मेरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर आ गया मेरा पैरासिटिक, और फिर आ गया मेरा पिरामिड ऑफ बायोमास। मैं कोई चीज लैग ना कर रही हूँ, बस जस्ट गिव मी सिंगल सेकंड। हाँ ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तो ये जो मेरा पायरामिड ऑफ नंबर्स है ये सेम रहता है किस किस चीज़ के लिए, आपका फॉरेस्ट के लिए और आपका एक्वेटिक के लिए। दोनों केसेस में क्या रहता है, अपराइट रहता है। क्या रहता है, अपराइट, यू पी अप आर आई जी एस टी, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आपका पैरासिटिक है उसमें ये कैसा रहता है, इन्वर्टेड,
कैसा रहता है इनवर्टेड, ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना ये बात कि कहाँ पे इन्वर्टेड होता है पैरासिटिक के केस में. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे वन प्राइमरी प्रोड्यूसर सपोर्ट नंबर ऑफ पैरासाइट्स अगेन विच स्टिल मोर हाइपर पैरासाइट्स. द पिरामिड इज इन्वर्टेड बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर लीस इन द नंबर एंड प्रीडेटर्स आर ग्रेटर इन नंबर. तो इसने क्या बोला यहाँ पे, जो आपके प्रोड्यूसर हैं और जो प्रीडेटर हैं, दीस आर योर प्रीडेटर, प्रीडेटर ज़्यादा हैं, प्रीडेटर ज़्यादा हैं किससे, प्रोड्यूसर्स से. आई बात समझ में, प्रोड्यूसर से. तो यहाँ पे प्रेडेटर को मैं क्या बुलाऊंगी, पेन चेंज कर लेते हैं, प्रेडेटर इज माय पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट, इवन हाइपर पैरासाइट. और मेरा प्रोड्यूसर क्या है यहाँ पे, पैरासाइट है. समझ में आ गई बात, ऑल सेट है. मैंने क्या पढ़ा सबसे पहले, आई हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स. मैंने तीन क्लासिफिकेशन पढ़ी, पायरामिड ऑफ नंबर, पायरामिड ऑफ बायोमास और पायरामिड ऑफ एनर्जी. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि तीन टाइप्स के पिरामिड्स भी होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि अभी हमने इसमें कौन से दो टाइप्स देख लिए, इसमें हमने देख लिए अपराइट वाला और मेरा इन्वर्टेड वाला. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द पायरामिड ऑफ बायोमास. इन बिटवीन जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Just a second, wait. ये जो है ना, ये सिर्फ एक्वेटिक के लिए वैलिड होता है. यहाँ पे जो फॉरेस्ट इको सिस्टम में आता है वो स्पिंडल शेप आता है, जो यहाँ पे फॉरेस्ट इको सिस्टम में आता है वो स्पिंडल शेप आता है, कुछ इस तरीके का. ऑल सेट, आई एम सॉरी, आई वॉज अ बिट कंफ्यूज ड्यू टू आई हैव टाइम लैग इन स्टडिंग दीज ऑल, बिकॉज अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ एंड आई हैव स्टडीड दिस ऑन इन फर्स्ट सेमेस्टर. तो एग्जैक्ट डेढ़ साल का गैप आ गया है, आई एम जस्ट सॉरी फॉर दैट. ठीक है, कोई पर मैं गलत चीज़ नहीं पढ़ाऊंगी, आई विल ट्राई फुली के सही चीज़ पढ़ के जा रहे हो, इसलिए मैं हर एक स्टेप पे इंश्योर भी कर लेती हूँ कि जो बोल रही हूँ वही लिखा हुआ है. इवन दो आई एम नोन टू मेनी ऑफ द थिंग्स एज आई हैव ऑलरेडी टीच दिस सब्जेक्ट इन ब्रेन चैन टू, यू पीपल विल बी नोन टू दैट टू. तो कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव रिवाइज ऑल द थिंग्स, सही पढ़ाऊंगी, गलत कुछ नहीं सीख के जा रहे होगे, तो डरना नहीं है. तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे फॉरेस्ट वाले में. तो यहाँ पे जो आता है ना आपका हर्बीवोर नीचे आ रहे होते हैं, बीच में आपके कार्निवोर आ रहे होता है, देन टॉप लेवल कार्निवोर, ऐसे करके चलता है. यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे प्रोड्यूसर, बीच में आ जाएंगे तुम्हारे हर्बीवोर एंड देन आ जाएंगे आपके कार्निवोर्स. इट इज़ फॉर प्रोड्यूसर, इट इज़ फॉर हर्बीवोर्स एंड इट इज़ फॉर कंज्यूमर्स. डन है जी, समझ में आ गया. तो हमने भी तीन पढ़ लिए, फटाफट से बना देते हैं. हमने भी अभी कौन से पढ़े, पायरामिड ऑफ नंबर्स. All right, जिसमें हमने भी तीन पढ़ लिए. We have studied about the aquatic, we have studied about the forest. अभी बल्कि मैंने तुम्हें ना वहाँ लिखवाया भी था, देखो यहाँ भी मैंने ही लिखवाया है, जस्ट स्लिप ऑफ टंग हो गया पढ़ाते पढ़ाते. कहाँ क्या तुम बनाया था, ये देखो एग्जाम्पल में आई जस्ट टॉट यू हुआ सेकेंड को कि फॉरेस्ट जो होता है उसका एग्जाम्पल ये है ना, जस्ट स्लिप ऑफ टंग हो गया. आई एम सॉरी, थोड़ा कैमरा फोबिया की वजह से चीज़ें हो जाती हैं. इवन दो आई एम नॉट कैमरा फोबिक, मैं बहुत बातें करती हूँ कैमरा पे, बट स्टिल ऑल राइट. तो यहाँ पे आ गया एक्वाटिक, फिर आ गया फॉरेस्ट एंड द लास्ट वॉज पैरासिटिक, पैरासिटिक. ऑल राइट, तो एक्वाटिक में हमने क्या देखा था, अपराइट होता है ऐसा, दैट इज अपराइट. यहाँ पे आप बना सकते हो लार्ज फिशेज, स्मॉल फिशेज और छोटा फिशेज, ऐसे करके कुछ भी. एंड यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा फॉरेस्ट वाला, जिसमें हमने क्या पढ़ा, इट इज प्रोड्यूसर्स, इट इज हर्बीवोर्स एंड इट इज कार्निवोर्स. That is spindled, spindled. Spindled. और उसके बाद यू हैव स्टडीड अबाउट द पैरासिटिक, जिसमें आपने दो पढ़ने हैं, दैट इज हाइपर पैरासिटिक, हाइपर पैरासिटिक एंड इट इज पैरासिटिक. लिखते रहना साथ साथ, आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स बिकॉज इट इज अ कंजेस्टन ऑफ स्पेस, बट मेक श्योर यू आर राइटिंग द फुल थिंग्स एंड लर्निंग इट साइमल्टेनियसली. डोंट वेस्ट योर टाइम, वी आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो, काइंडली राइट ऑल द थिंग्स दैट आई एम टीचिंग. मेरी मेहनत जा रही है लिखने में, तो यार तुम लिखो, ठीक है, लिखो, बिकॉज ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर सीधा पीडीएफ पढ़ोगे भी तब भी. और मैं पीडीएफ दूंगी भी नहीं, पहले बता रही हूँ, लिख लेना. यहाँ पे क्या आएगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मैं लिख देती हूँ, मुझे तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं है, समझ में नहीं आएगा तुम्हें. हाइपर पैरासिटिक और पैरासिटिक, सो इंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ. ठीक है, इसके अंदर आई शुड यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेन बिकॉज आ नहीं पाएगा पूरा. हाइपर पैरासिटिक, यहाँ पे पैरासिटिक, ऑल सॉर्टेड. ये प्रोड्यूसर है, ये हर्बीवोर है और ये कार्निवोर है. यहाँ पे तुम बना सकते हो अपराइट है ऐसा,
यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम, स्मॉल फिशेज, यहाँ पे लार्ज फिशेज और यहाँ पे टॉप लेवल फिशेज, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं बायोमास पे। बायोमास इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोमास में आपका जो इन्वर्टेड होता है वो किसका होता है, ओशियंस का इन्वर्टेड होता है। फॉर वॉट ओशियंस, फॉर वॉट ओशियंस, एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन अ प्रायर वन स्लाइड, क्या कि जो बड़ी फिशेज है उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, दैट आर नोन एज जू प्लैंकटॉन्स एज कम्पेयर टू योर फाइटो प्लैंकटॉन्स। फाइटो प्लैंकटॉन्स आर योर स्मॉल स्मॉल फिशेज, इसलिए आपका जो बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड लेवल टेक्स अकाउंट ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ईच ट्रॉपिक लेवल, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑल्सो अपराइट, हर एक केस में अपराइट होता है एक्सेप्ट ऑब्जर्व फॉर द ओशियंस वेयर लार्ज नंबर ऑफ जू प्लैंकटॉन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ द फाइटोप्लैंकटॉन्स। समझ में आ गया, तो सबके लिए क्या होता है, अपराइट होता है, बट जस्ट इन केस ऑफ ओशियंस ये इन्वर्टेड होता है। तो बना सकते हो ये अपराइट पायरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें उसने क्या बता दिया यहाँ पे कि प्रोड्यूसर्स आएंगे, यहाँ पे उसने क्या बता दिए कि हर्बीवोर्स आएंगे, उसने यहाँ पे क्या बता दिए कार्निवोर, उसने यहाँ पे क्या बता दिए टॉप लेवल कार्निवोर, यही है चीज़। ठीक है, ये रे कर लोगे, डन है, ऑल सॉर्टेड। उसके बाद आ गए हम इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ बायोमास, किस चीज़ का है। ऑन द अदर हैंड द रिवर्स पायरामिडिकल स्ट्रक्चर एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाता है, जो पायरामिड है वो उल्टा हो जाता है, जो पायरामिड है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए होता है, जहाँ पे टाइनी होते हैं फाइटो प्लैंकटॉन और बड़ी बड़ी होती हैं तुम्हारी बेसिस दैट इज जू प्लैंकटॉन, इसलिए जो बेस है वो बड़ा रहता है इसका फॉर द जू प्लैंकटॉन और छोटा रहता है फॉर द फाइटो प्लैंकटॉन, सच इन दीज का ये जाती है जू प्लैंकटॉन, ये क्या जाती है फाइटो प्लैंकटॉन। कमिंग ऑनवर्ड्स नेक्स्ट टू द पायरामिड ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे इस वाले पायरामिड में वी विल बी मेंशनिंग इस 10% रूल जो भी बताया था, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू पीपल कैन स्लो डाउन द वीडियो एज आई नो आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट, एज अभी रात ज़्यादा हो गई है एंड आई ऑल्सो नीड टू गो टू स्टडी। ठीक है, तो वीडियो को फास्ट अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। हमने क्या बताया था कि जो आपका पायरामिड ऑफ एनर्जी होता है इट इज ऑलवेज अपराइट इन एवरी केस, अपराइट इन एवरी केस। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसका मतलब एक एनर्जी जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में गई इट कैन नॉट बी रिवॉर्टेड बैक, उसे तुम रिवॉर्ड बैक नहीं कर सकते। तो फटाफट से बना लें, अभी व्हाट वी हैव मेड इज पायरामिड ऑफ नंबर्स, नाउ कमिंग ऑन टू द पायरामिड ऑफ बायोमास। भाई जी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ लिख लिख के लर्न कर लेना, पूरी वीडियो मेरी मुझे लग रहा है यही कहने में निकल जाएगी, तुम सुनोगे नहीं पर बना लो। ठीक है, pyramid of biomass, it is basically divided into two parts, yahan pe ho jayega mera aquatic and here it will be parasitic, here it will be forest वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, सारे के सारे रेस्टॉल। ये कैसे होते हैं यहाँ पे अपराइट, कैसे होते हैं यहाँ पे अपराइट इस वाले मैनर में। But coming on to the aquatic, they are downwards, they are inverted. Inverted, जो कि यहाँ पे क्या जाता है zooplankton, यहाँ पे क्या जाती है phytoplankton, उससे नीचे कौन आ जाती होगी tiny phytoplankton, जो इससे भी छोटी होती होगी। समझ गए मेरी बात, डन है, इसमें गंदा गंदा लिख रही हूँ बट प्लीज़ साथ साथ लिखते जाना। अब आ गए मेरे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है, फॉर एग्जांपल टेंड्रा पे पूछ लेगा, इस पर पूछ लेगा, ये सब चीज़ें लिखने को आ जाती है। तो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं आपके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर और यहाँ पे आर्टिफिशियल में आपके आ जाते हैं एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम और एक्वाकल्चर इकोसिस्टम। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जाता है ह्यूमन से ऑन द लैंड ऑन द एग्रीकल्चरल बेसिस। एंड सिमिलरली द एक्वाकल्चर इज पॉन्ड्स कह लो या फिर तुम वो एक्वाटिक जो चीज़ें होती हैं उन्हें कह लो जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं और ह्यूमंस के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। ऑल राइट, अभी यहाँ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, इनके सबके बारे में आपको लर्न करना है। आई एम राइटिंग अ लर्न ओवर हियर, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है सच, यू पीपल नीड टू लर्न इट। ठीक है, तो मैं समझा नहीं रही हूँ, इसे लर्न ही करना पड़ेगा। रेन फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, सवाना हो गया, ग्रासलैंड हो गया, है ना, मैरीकल्चर माउंटेन इकोसिस्टम हो गया, तो ये सारे हैं, इन्हें लर्न ही करना पड़ेगा। तो भी फटाफट से एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं, नेमिंग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें व्हाट वी नीड टू स्टडी इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ऑल सेट,
अभी अब देखते हो तुम्हारा मेमोरी टेस्ट कितना है। तो नेचुरल में हमने कितने पढ़े थे, दो पढ़े थे। फर्स्ट वॉज टेरेस्ट्रियल है ना, कह रहे हो दीदी को याद नहीं है, दीदी हमसे पूछ लिया। टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड वॉज एक्वाटिक। नेक्स्ट आ गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल अगेन इज डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स। फर्स्ट इज योर एग्री, क्या था उसका नाम, एग्री था, एक्वा था, एक्वा कल्चर। देखते हैं तो इट हाँ सही तो बोला, एग्रीकल्चर और एक्वा कल्चर वही लिखा हुआ है। बताओ बताओ बेसिकली लगा लिखा तुम्हें आता हुआ कोई नहीं, चलो एग्री कल्चर और एक्वा कल्चर, ए क्यू यू ए कल्चर। ऑल सेट डन है। तो हमने क्या पढ़ा, नेचुरल में टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, उसके बाद हमने आर्टिफिशियल में पढ़ लिया एग्रीकल्चर एंड एक्वा कल्चर। अब जो टेरेस्ट्रियल वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाई बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं जितने मुझे याद है, जस्ट राइटिंग डोज, बट बहुत सारे हैं तो प्लीज़ अच्छे से कर लेना। इसमें आ जाते हैं तुम्हारा ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट वगैरह है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, टंड्रा हो गया, सवाना हो गया, उसके बाद रेन फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब होते हैं। ठीक है, आई गेस एक आधा छूट रहा होगा, तो ये सब होते हैं, इन्हें लर्न कर लेना अच्छे से। तो व्हाट वी हैव डन इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी कर लिया हमने, नेचुरल और एक्वाटिक दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्वाटिक में क्या लिख सकते हो, पॉन्स लेक्स वगैरह लिख सकते हैं आप। एंड इन द आर्टिफिशियल व्हाट यू कैन राइट इज एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर वाला चीज। ओके कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, अच्छे से कर लेना ठीक है। आई एम लीविंग दिस पार्ट बिकॉज ये याद करने वाली चीज़ है, आई कांट एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट आ गया एक्वेटिक। एक्वेटिक में अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मैराइन इकोसिस्टम लिख सकते हो और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम लिख सकते हो। व्हाट इज मैराइन इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम होता है हियर इट इज कि जो ऑलमोस्ट 70% अर्थ का पार्ट कवर करता है। ये बिगेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट होता है अर्थ में। वाटर जो होता है इसका मेन कॉम्पोनेंट होता है, जो मिनरल्स और सॉल्ट हैं उसमें डिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज मेनी ऑर्गेनिज्म जैसे कि शार्क हो गए, कैफेलॉइड हो गई, ब्राउन एल्गी हो गया, एंडीकोरम हो गया, कोरल्स हो गया, डेंगो फिश, डीनो फ्लेगेट्स हो गए, ये सब इसमें होते हैं मैराइन इकोसिस्टम में। नेक्स्ट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट, दैट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो कि कंप्राइज करता है 0.8% ऑफ द अर्थ सर्फेस को। इसमें लेंटिक, लॉटिक और वेटलैंड्स आ जाते हैं। ये तुमसे पूछा जा सकता है कि लेंटिक, लॉटिक और वेटलैंड्स किसका पार्ट होते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली राइट वर्ड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। लिख लें इसे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैराइन और फ्रेश वाटर। ऑल सेट। अब आ गया यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हो गए, बायोटिक फैक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, कंज्यूमर हो गए, डिकम्पोजिटर्स हो गए, ये सब चीज़ें भी पढ़ के आए हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द बायोलॉजिकल, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी। इसमें आपको कौन कौन सी साइकिल्स आनी चाहिए, एक आपको कार्बन साइकिल आनी चाहिए, एक आपको इसमें सल्फर साइकिल आनी चाहिए, जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आई एम जस्ट मेंशनिंग दोज, एक कार्बन साइकिल और एक सल्फर साइकिल कर लोगे तो डन है। आप इसमें चाहो अपने हिसाब से, श्रद्धा ज़्यादा जाग रही है तो ऑक्सीजन साइकिल भी कर लेना, इन तीन से बाहर नहीं आता ठीक है। अभी तक जितने पेपर्स एनालाइज करे इन तीन से बाहर नहीं आता, तो ये तीन साइकिल्स हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर देम ऑन यूट्यूब, रादर आई विल कवर देम इन नेक्स्ट वीडियो, बायो जियो केमिकल साइकिल्स, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है दैट शुड बी एक्सप्लेन इन डिटेल। तो इस वीडियो को अगर मैं समझाने बैठी तो एक घंटा प्लस हो जाएगा सिर्फ यही यही टॉपिक, एंड आई डोंट वांट इट टू एक्सीड मोर देन 1 आवर, दैट इज एक्सीडिंग नाउ। तो जल्दी खत्म करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सब आ जाती है सल्फर साइकिल में, तो ये सब रहता है इसमें। ओके नाउ कमिंग ऑनवर्ड्स ऑन द ये सल्फर साइकिल ही चल रहा है अभी। ओ भाई क्या कर दिया, वेट अभी हमारी ना हाफ पीडीएफ कवर हुआ है, जस्ट हाफ, अभी आधा और बच रहा है, तो मान के चलो 1.5 घंटे तक जाएगा मन छोटा नाम से। अभी जो मेरा आ गया वो आ गई, मैं यहाँ पे, इन्होंने ना कुछ एज सच वो नहीं करा पार्टीशन बीच में, इधर इधर ऑनवर्ड्स आपका नेचुरल साइकिल रिसोर्सेज चालू है। तो लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस पोर्शन, इसके बाद से
वट इज स्टार्टिंग योर नेचुरल रिसोर्सेज, दैट वॉज अ सेकेंड पार्ट ऑफ योर पीरियड, है ना. हमने फर्स्ट में क्या पढ़ लिया, इकोसिस्टम पढ़ लिया. नाउ वी आर स्टडिंग योर नेचुरल रिसोर्सेज, और थर्ड में यू विल बी स्टडिंग अबाउट द जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा थर्ड जो आएगा. ठीक है, अब आ गए हम नेचुरल रिसोर्सेज में. नेचुरल रिसोर्सेज क्या आपके, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लानट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शंस. ह्यूमन एक्शंस के बिना डिपेंड हुए भी ये रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्लानट पे, जैसे कि हो गई तुम्हारी सन, जैसे कि हो गया तुम्हारा वाटर, जैसे कि हो गया आपका एयर. ये सब रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाएगा बेसिकली. तो कौन कौन से रिसोर्सेज है, व्हाई इट इज गोइंग इन अपोजिट मोशन, आई एम मेकिंग डाउनवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, बताओ. तो उसने बोला दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बेसिस पे. आप इसे और भी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज ऑन द लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो उसने बोला है कि जिसके पार्टीशन है वो भी दो टाइप्स में किए हैं इसने. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज, वो आप लिविंग और नॉन लिविंग में कर सकते हो, दैट इज बायोटिक अबायोटिक में. और उसके बाद उनके डिपॉजिट के बेसिस पे आप किस पे कर सकते हो, उन्हें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पे. रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में डिफरेंस लर्न कर लेना, पूछा जा सकता है, लर्न कर लेना. ठीक है, जो बच्चों वाली चीज़ें दैट आई एम ओनली लिविंग, रादर मैं पढ़ा ही नहीं हूँ सब कुछ. अब जो लर्न ही करना है उसमें मैं क्या पढ़ाऊँ. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, अच्छे से ही मेंशन कर लेते हैं, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. इसका क्लासिफिकेशन इसमें दो टाइप्स में किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज फर्स्ट इज योर बायोटिक, जिसे आप और क्या बुला रहे हो इसमें, लिविंग, और उसके बाद एबायोटिक. ठीक है, दूसरा इज ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट और स्टॉक, जिसे आप क्या बुला रहे हो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. गॉट इट, आ गया समझ में. इसमें आई डोंट थिंक कोई ऐसी चीज है जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की नीड है, एज दीज आर सच आर पिची पिची टर्म्स. तो कर सकते हो, ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ये लो कॉस्ट पे एनवायरमेंट इको फ्रेंडली होते हैं, ये हाई कॉस्ट होता है प्लस में लेस एनवायरमेंट इको फ्रेंडली होते हैं, ये रिप्लेनिश क्विकली हो जाते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, और ये स्लोली रिप्लेनिश होते हैं, कौन से वाले, नॉन रिन्यूएबल. ऑलराइट, तो यहाँ पे आके मेरे फाइव इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है, आयरन है और फॉरेस्ट है. तो यू कैन मेंशन इन द आस्क अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे इसको रीड करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा नेचुरल रिसोर्सेज के उस पर. अभी आ गया मेरा टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं कौन कौन से, जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा अभी थोड़ा थोड़ा. तो दैट इज आपका वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज. जो वाटर रिसोर्सेज है इसमें आपको जस्ट वाटर साइकिल पढ़नी है, व्हाट यू नीड टू रीड इज वाटर साइकिल. उसके बाद जो आपका इसमें वो इसकी कंजर्वेशन पूछ लेते हैं, ऐसे ही लैंड रिसोर्स की वो डिग्रेडेशन पूछ लेते हैं कि क्यों खराब किया जा रहा है, तो उससे प्रिवेंशन बताओ. ऐसे यहाँ पे जो कंजर्वेशन इसमें भी प्रिवेंशन ही पूछा जाता है. एनर्जी रिसोर्सेज में भी सेम चीज आ जाती है, एनर्जी को आप डिग्रेड कैसे कर रहे हो, एनर्जी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बता रहा होगा. यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दीज टर्म्स वन, एक बार डिफाइन कर लोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी. यू नीड नॉट टू गो थ्रू टन्स ऑफ पेजेस, जस्ट छोटी सी पीडीएफ मैंने बना के दी है और जितनी चीज़ें लिखवा रही हूँ उसको तो अच्छे से कर लेना. ऑल सेट है, यूनिट वन अभी खत्म हो जाएगी मेरे साथ साथ. ये आ गई मेरी वाटर रिसोर्सेज, आर द वाटर आर यूजफुल फॉर द पोटेंशियली यूज फॉर ह्यूमंस. वाटर रिसोर्स होते हैं वो प्रीक्विजिट होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इसके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, इसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए, हेल्थ केयर में, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. ये आपको नीड करने का रीड करने का नीड नहीं है, नहीं करना. वाटर साइकिल को एक बार पढ़ लेना जस्ट, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, लाइक इवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया. और इसे थक गई मैं थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकंड मैन, थोड़ा सा चॉकलेट डाल लेते हैं मुँह में सो दैट एनर्जेटिक रहे.
ऑल सॉर्टेड, मैंने तीनों प्रोसेस मेंशन कर दिया, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। अब आगे मेरी वाटर साइकिल के सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स इन सबसे वाटर उठाती है। 97% 97.5% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर होता है, वो चीज़ बहुत 2.5% ही सब कितना होता है फ्रेश वाटर होता है। कॉसेस क्या है वाटर क्राइसिस के वर्ल्ड में, जहाँ पे आगे की ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है फ्रेश वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, इंक्रीज होती जा रही है वेदर कंडीशन में, लाइक फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, टाइफॉन हो गया, साइक्लॉन्स हो गया, ये सब आ जाते हैं। इसलिए मेरा जो वाटर है वो कम होता जा रहा है। मेरा मन नहीं कर रहा है एक्चुअली पढ़ने का, बिकॉज बहुत ही लो लेवल चीज़ें हैं, ये समझ में आ रही होंगी तुम्हें। एज सच मैं पढ़ रही हूँ तो लग रहा होगा आता है आता है आता है, दैट्स व्हाट द सब्जेक्ट इंग्लिश इज ऑल अबाउट, क्या आता है आता है आता है के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। बस एक बार या दो बार या तीन बार, एटलीस्ट तीन बार उठा करके पीडीएफ पढ़ लेना, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। ये सब चीज़ें पढ़ने का नीड नहीं है, ओवर यूटिलाइजेशन और लॉ कॉन्सिक्वेंस, क्लाइमेट चेंज भी नहीं, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स के बारे में पढ़ लेना। फ्लड्स एंड ड्रॉट्स क्यों आते हैं, हैवी रेन हो जाती है इसलिए आते हैं, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो रिसीव हो जाती है बहुत सारे एरिया में, कम हो जाता है तो ड्रॉट आ जाता है, ज्यादा हो जाती है तो फ्लड आ जाता है। इन सब एरिया, इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या हो रहा होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो रहा होता है, लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा प्रोन कंडीशन हो जाती है। Those who are not known, let me tell you, I am recording the same video third time now. As बार बार क्या हो रहा है कि इतनी सारी वीडियोज बन चुके हैं दैट ड्राइव फुल हो चुका है और बार बार जो कैमरा है वो अपने आप कट कर दे रहा है वीडियो को। स्टिल नो इश्यूज, जो चीज़ मैं एक बार पढ़ा चुकी हूँ एक बार दिखा देती हूँ। आई वॉज टेलिंग कि वाला जो कोट है, यू कैन मेंशन इन योर एग्जाम एज, जो कोट्स हैं उनको लिखने की वैल्यू ज़्यादा होती है। आप पॉइंट्स कहीं से भी, मतलब पॉइंट्स याद करो और उन्हें फ्रेम कर देना एग्जाम में जा करके बस। ऑल राइट, अभी यहाँ पे फिर हम आ गए थे कि मेजर टू कंजर्व वाटर। तो मैंने बताया था कि रिचार्ज करना चाहिए आपको ग्राउंड वाटर को बाय हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पजेज में जो हमारा हाउस होल्ड वाटर है उसको वाइजली यूज नहीं करना चाहिए। हमें रीयूज कर लेना चाहिए वाटर पर्पसेस के लिए, हमें लीक्स पाइप्स में नहीं आने देने चाहिए, हमें अनट्रीटेड लेक्स जो सीवेज है उसे लेक्स या रिवर्स में नहीं छोड़ना चाहिए, हमें रिजर्वायर्स या फिर डैम्स या फिर आपके डिगिंग वेल्स बनाने चाहिए टू सेव गार्ड द वाटर, हमें ड्रिप इरीगेशन फेयर पॉलिसीज का यूज़ करना चाहिए, हमें इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस को वाटर बॉडीज़ में फ्लो नहीं होने देना चाहिए एज दे पॉल्यूट द वाटर बॉडीज ड्रास्टिकली। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे कि हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, रिवर्स लेक्स और वेल्स को एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर्स को भी। यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं जो वाटर क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। लेट मी टेक अनदर पेन बिकॉज ये मैं अभी जो वीडियो रीशूट करा उसमें यूज़ करा था, एक बार येलो से करा एक बार ग्रीन से करा, नॉट लेट्स टेक रेड दिस टाइम। तो हमने यहाँ पे पढ़ा हमें इनसफिशियंट और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट को कंट्रोल में लेना चाहिए। हमारी यूट्रोफिकेशन जो है दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन। हमारे जो पैथोजेंस है, पेस्टिसाइड है, ये कॉन्टामिनेट करते हैं वाटर को। हमारा जो स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन मीन्स ओपननेस ऑफ सीवेज जो है और डोमेस्टिक जो आपकी सीवेज है वो कॉन्टामिनेट करता है हमारी ग्राउंड वाटर को एज वेल एज हमारे इन्वायरमेंट को, एज इट इज़ नॉट हाइजीनिक एंड इट्स लुक वेरी पुअर इन, है ना, दिखने में भी। तो यहाँ पे आ गई वाटर बॉर्न डिसीज। इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारे पैथोजेंस हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पैथोजेनिक, वो कॉज करते हैं आपकी बहुत सारी डिसीजेज को, लाइक हो गया आपका डायरिया। डायरिया जो है बहुत एक वायरल डिसीज है जो कि आपको हो जाती है ड्यू टू हैविंग डर्टी वाटर इन यूसेज। तो यहाँ पे हमारे कम से कम 1.8 मिलियन डेथ्स होती हैं हर साल ड्यू टू डायरिया। तो आपको यहाँ पे कुछ मेजर्स फॉलो करने चाहिए टू अवॉइड दिस डिसीज, लाइक आपको अनट्रीटेड वाटर नहीं पीना चाहिए, आपको अंडर कुकड फूड नहीं खाना चाहिए, आपको हमेशा हाथ धोने चाहिए खाने से पहले, इट मीन्स पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और आपको लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए फॉर द सेम। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं उन्होंने जो ये चीज़ें कॉज करते हैं, लाइक प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया आ गया या इंटेस्टाइनल पैरासाइट आ गया, दीज आर सम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज वाटर बॉर्नी डिसीजेज। क्या हमें ये बात समझ में आती है? ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे आपको सब वैल्यू बेस्ड ही मिल रहा होगा, कुछ बहुत ही ज्यादा लॉजिकली नहीं मिल रही होंगी चीजें, सब चीज ऐसी होंगी कि वैल्यू बेस्ड आप बना करके लिख सकते हो, बट हाँ बनाने में अपनी भाषा से ज्यादा साइंटिफिक वर्ड्स का यूज करोगे, लाइक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहीं पे तुम वर्म्स लिख के आ रहे हो, यहीं पे तुम कीड़े मकौड़े लिख के आ रहे हो, तो दैट इज नॉट वर्थ इट। ट्राई टू यूज अ गुड वोकैबुलरी,
है ना, थोड़ा होशियार नहीं भी हैं तो भी हम होशियार बन के दिखा देंगे वहाँ पे, क्योंकि टीचर हमारा फेस से तो नोन है नहीं कि बच्चा क्लास में शैतानी करता था, ये नहीं कर पाएगा। तो द थिंग इज वहाँ पे एग्जाम शीट में, व्हेन द टीचर कांट सी योर फेस, जस्ट सी योर इंटेलिजेंस बाय योर एग्जाम शीट। अपनी एग्जाम शीट से दिखाओ कि हाँ तुम कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया है फ्लोराइड। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है कि फ्लोरिडेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो द थिंग इज फ्लोरिडेशन आपको एक लिमिट तक अच्छी है, उसके बाद एग्जिट करते हो तो आपके टीथ को, आपके बोन्स को, आपके इंटेस्टाइन में इश्यू कर सकती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 0.04 जो ppm है वो प्रेजेंट होता है ऑलरेडी मदर मिल्क में, प्लस में जो आप टैप वाटर का यूज़ करते हो उसमें 1 ppm होता है, दैट इज 250 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल यूसेज अ वन कैन यूज़। ऑलराइट, क्लियर विद इट? तो यहाँ पे यही चीज़ बताई हुई है आपको, जो फ्लोरीड के सोर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे। फ्लोरीडेटेड वाटर आता है, फ्लोरीडेटेड माउथ वॉश आते हैं, फ्लोरीडेटेड सप्लीमेंट्स होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स, टूथपेस्ट होते हैं, बट यू शुड नॉट यूज दैट मच फ्लोरीड बिकॉज टैप वाटर में ही 1 ppm है। आ रही है बात समझ में? अगर एक्सीड करते हो फ्लोरीड यूसेज देन इट कैन हार्म योर टीथ, बोन, ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम टू। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़ दैट आई हैव टोल्ड यू कि मदर मिल्क में इतना होता है, टैप वाटर में इतना होता है, एंड एक्सीडिंग इट कैन बी डेंजरस टू यू। अभी जो नेक्स्ट चीज़ आ गई दैट इज मिनरल रिसोर्स। मिनरल रिसोर्स में आपको बहुत सारे टाइप के मिनरल्स बताए जा रहे होंगे। मिनरल कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है बेसिकली, यहाँ पे किसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कंजर्वेशन के ऊपर, दैट हाउ डू यू कंजर्व योर मिनरल रिसोर्स एंड व्हाट शुड यू टेक द मेजर्स फॉर मेकिंग पीपल नोन टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे मिनरल रिसोर्स में से। तो सबसे पहले उसने टाइप्स ऑफ मिनरल्स बता दिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स बता दिए, उसने टाइप्स में क्या बताया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में क्लासीफाई कर सकते हो। उसने इंपॉर्टेंस बताई कि रॉक्स जो है वो सारे के सारे मिनरल्स से बने होते हैं, कितने सारे जेमस्टोन जो एसिडिक हैं वो मिनरल्स से बने हुए होते हैं। उसने बोला जो मिनरल्स है वो मेटल्स नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर और एयरप्लेन्स में काम आ जाता है। जो मिनरल है वो रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग विंडो ग्लास, प्लास्टर वगैरह इन सब चीज़ों में भी काम आता है। इट मीन्स व्हाट इज ट्राइंग टू टेल इज के जो आपका मिनरल है वो बहुत सारी जगह पे काम आता है। व्हाट यू नीड टू डू इज 5-6 बताई हुई है, उसमें से कोई भी 3-4 याद कर लो, ठीक है जी। अगर 4-5 बार इस नोट से गो थ्रू हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी सेटल्ड इन योर माइंड एंड यू नॉट नीड टू रट्टाफाई इट ऑल, ठीक है। रट्टाफाई करने की नीड नहीं है, वैसे भी ईवीएस एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे रट्टाफाई किया जाए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टू स्टडी विद मी। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजिंग मिनरल रिसोर्स। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं मिनरल्स को निकालने के, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, लॉस ऑफ फ्लोरा फौना हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाती है लैंड की ड्यू टू एक्सकवेशन। इतनी सारी माइनिंग वगैरह करोगे तो डिग्रेडेशन हो जाएगी लैंड की, हेल्थ हजार्ड्स कर सकता है, पॉल्यूशन कर सकता है, डैमेज कर सकता है लोकल इकोलॉजिकल फंक्शंस को, पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, पॉल्यूशन कर सकता है एयर में, और ये प्रॉब्लम दे सकता है आपके सेफ डिस्पोजल ऑफ ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट में, क्योंकि आप जो इतना सारा सॉलिड वेस्ट निकलेगा ड्यूरिंग एक्सकवेशन उसे कहाँ रखोगे। तो ये सब आपके प्रॉब्लम से जो आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट आ गया कि कंजर्व कैसे करते हो मिनरल रिसोर्स को, तो आपको एनकरेज करना चाहिए इंप्रूव टेक्नोलॉजीज को जो रिड्यूस करें वेस्ट को, रिसाइकल करना चाहिए आपको मेटल्स को, आपको यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पे ध्यान देना चाहिए, परचेज करने चाहिए आपको, रिड्यूस करना चाहिए परचेज ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मिनरल रिसोर्स। जो चीजें मिनरल रिसोर्स से बन रही हैं एंड इफ यू आर नोन टू दोज तो उनकी परचेज कम कर देनी चाहिए जिससे कि वो नेचर में भी सस्टेन कर पाए। आपको एनकरेज करना चाहिए रिसर्च प्रोवाइडिंग सुटेबल इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स का आपको एक अच्छा अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए जो कि फॉसिल फ्यूल्स को बचाए और उसकी जगह ऐसा नाउ कमिंग ऑनवर्ड्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अभी जो आपका बायोडाइवर्सिटी है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन इज इंडिया एज मेगा बायोडाइवर्सिटी एंड सेकेंड इज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे, प्लस में दो डिफाइंस आती हैं आपकी दैट इज ऑल्सो फिक्स। एक आती है आपकी बायो पायरेसी और दूसरी आती है बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो इस पार्ट में से मैं वही चीज़ पढ़ा रही हूँ कि जो आती है, लाइक ये स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, इन चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं आ रहा होता। तो यू कैन जस्ट गिव इट अ आई स्पेंट, सिर्फ एक आई स्पेंट दे देना है आपको, जैसे कि अगर पूछ लिया बाई चांस तो आपको नॉलेज होनी चाहिए दैट यू कैन फॉर्म योर आंसर्स बाई योर सेल्फ। बट जो क्वेश्चन चार टॉपिक पे आते हैं वो मैंने बता दिए। तो बायोडाइवर्सिटी इज शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। किसकी शॉर्टेंड फॉर्म है ये? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। ये रिफर्स किसको करती है? एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एनवायरनमेंट। कितनी डिफरेंट टाइप की प्लांट्स की और एनिमल की स्पीसीज एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में, उसको आप क्या बुलाते हो? बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें इसने नीचे टर्म्स दे रखी हैं कि स्पीसीज में भी बायोडाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होती है, जीन्स जिसमें अलग अलग हो जाते हैं, फिर इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड इकोसिस्टम होता है।
अभी यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, तो इस पे भी क्वेश्चन एज सच नहीं आता, जस्ट गिव इट अ रीड, जस्ट गिव इट अ रीड। इस पे क्वेश्चन एज सच नहीं देखा गया, क्वेश्चन किस चीज पे देखा जाता है, मैं डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप कराती हूँ, दैट इज इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी रीजन। ये आपका 5 to 7 मार्कर क्वेश्चन बनता है आराम से फॉर एंड सिम्स, एंड सेमेस्टर एग्जाम में, और आपके मिड सेम में भी ये 4 to 5 नंबर का वो पूछ सकता है आराम से, ठीक है। तो मेगा डाइवर्सिटी रिफर्स टू अ कंट्रीज एबिलिटी टू एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। एक कंट्री की कैपेबिलिटी किस चीज की कि उसमें कितनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर सकती है, उसको आप क्या बुलाते हो, मेगा डाइवर्सिटिक रीजन है वो। तो ऐसी कितनी कंट्रीज हैं, टोटल 17 कंट्रीज हैं, जिसमें से एक कौन सी है, इंडिया भी है। ऑलराइट, अभी इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे सेट किया जाता है कि कोई कंट्री मेगा डाइवर्सिटी है या नहीं है, तो उसके पास 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए। कौन सी, एंडेमिक, ये वर्ड याद रखना, अगर ये वर्ड भूल गए और सिर्फ प्लांट स्पीसीज लिखा है तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, हाफ से एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा इसी चीज का सिर्फ। तो याद रखना 5000 कौन सी, एंडेमिक प्लांट स्पीसीज। नेक्स्ट आ गया, उसके पास क्या होने चाहिए, मैराइन इकोसिस्टम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, मैराइन इकोसिस्टम। तो ये दो कंडीशंस है, इसको याद रखना अच्छे से, ये 2 मार्कर में भी पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ लेगा ये दोनों कंडीशन सिर्फ, कि किसी कंट्री के मेगा डाइवर्सिटिक होने के लिए कौन सी 2 कंडीशन होती है। तो 5000 उसके पास एंडेमिक प्लांट स्पीसीज और उसके पास मैराइन इकोसिस्टम होना चाहिए। अभी इंडिया को किस बेसिस पे सिलेक्ट किया गया था कि वो मेगा बायोडाइवर्सिटिक है या नहीं है, तो इंडिया के पास सिर्फ 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया पे 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिजाइड करती है, कितनी 16%, बट इट हैज 8.1% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। 16% तो इसके पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, ठीक है जी, और 8.1% पूरे वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटिक स्पीसीज हैं, अलग 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 टाइप की जो जातियां हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने पीछे पॉपुलेशन वाले में पढ़ी थी, 16% वाली, कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस चीज़ में वाला पॉइंट आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, 47,000 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज हैं, रिक्वायरमेंट कितनी थी सिर्फ 5000 की, और है कितनी हमारे पास 47,000, 90,000 एनिमल स्पीसीज हैं, और टोटल जो हमारे पास स्पीसीज हैं वो कितनी हैं, 1,37,000। हमारे पास 14 मेजर रिवर बेसिन हैं, डिफरेंट सीजन्स आते हैं, हमारे पास टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स भी हैं बहुत सारे, हमारे पास कोस्टल बाउंड्री, और ये जो कोस्टल बाउंड्री है ना, इस पर वो क्या क्वेश्चन पूछता है कि वाई इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, वाई इंडियन ocean is named after India, then what is the reason behind that, it is the India occupies the largest area over the Indian ocean amongst all the countries over it, India ka sabse zyada jo area hai wo cover karti hai in the Indian ocean, theek hai, jitne bhi countries hain usse, to 7 mahadweep mein se, 7 mahasagar mein se ek jo aapka ocean hai, that is named after India as Indian ocean। हमारे पास 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, हमारे पास हाई रेनफॉल आता है, जो कि आपका वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो रेनफॉल होता है दैट इज़ इन चेरापुंजी, एम एन टेबल टू राइट, चेरापुंजी जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, मेघालय में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ सॉइल, अब आया, देखो अब चला ये, जब मैं लिख रही थी जब नहीं चल रहा था, लेट मी राइट, CHERA चेरा PUNJI पुंजी इन मेघालय, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है, चेरापुंजी इन मेघालय, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, अगेन इन इंडिया, यहाँ पे असम के साइड में होता है चेरापुंजी। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ सॉइल, भी हमारे पास बहुत सारी हैं, हमारे पास बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, इतने सारे सीजन आते हैं, रादर आप और कंट्रीज में देखोगे तो स्नोफॉल ही होता रहता है, दे पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ समर इवन, वो यहाँ पे आते हैं इंडिया विजिट करने तो पूरी स्किन रैशेज पड़ जाती है अंग्रेजों की, वाई, बिकॉज वहाँ पे धूप निकलती ही नहीं है, तो हल्की सी भी सेंसिटिव जो सनलाइट है वो उन्हें बर्न कर देती है, रादर हम तो काले ही हो चुके होते हैं सन में तपते तपते, है ना। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में चले जाओगे तो वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, वहाँ पे धूप ज़्यादा निकलती है, बट इंडिया इज अ कंट्री विद मेनी सीजन्स, यहाँ पे सारी सीजन्स आते हैं, सारे टेम्परेचर्स रहते हैं, यहाँ पे सारे टाइप की सॉइल्स हैं, और भी देख रहे हो कि कितनी सारी वैरायटी हमारे इंडिया में मिलती है, सारे टाइप के बच्चे भी हमारे इंडिया में मिल जाते हैं, कोई नलायक है, कोई ऐसा है, कोई कैसा है, तो वैरायटी इज डिफरेंट इन इंडिया। नेक्स्ट बताते हैं हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगेन 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 अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो मेगा डाइवर्सिटी पे आएगा या फिर हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे आएगा, और ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभार इन दोनों में चॉइस दे देते हैं एंड सेम में, नॉट इन मिड सेम, मिड सेम में चॉइस नहीं मिलती इतनी ज्यादा, एंड सेम में यहाँ पर चॉइस मिल जाती है इन क्वेश्चन में।
हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? द एरियाज ऑन अर्थ विच एग्जिबिट हाई स्पीसीज रिचनेस एज वेल एज हाई स्पीसीज एंडिज्म आर टर्म्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऐसी जगह है जहाँ पे हाई स्पीसीज मिल जाती है कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पे, तो उस जगह को आप क्या बुला देते हो, हॉटस्पॉट है ये तो बायोडाइवर्सिटी का. इस पर्टिकुलर स्पेस में बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो क्वालिफाई क्या है हॉटस्पॉट को राउंड क्लियर करने का, दैट इज 1500 आपके पास वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए एज एंडेमिक. अगेन द वर्ड एंडेमिक, एंडेमिक वर्ड ध्यान रखना. अभी नीचे आते आते मैं बताऊंगी भी एंडेमिक और ये एक्सटिंक्ट इनका मतलब क्या होता है, वल्नरेबल इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइंस आती है. तो ठीक है, एंडेमिक अभी जस्ट लर्न कर लो, नीचे आते आते आई विल एक्सप्लेन इट टू. क्या है इसका क्राइटेरिया, कि 1500 आपके पास वेस्कुलर प्लांट एंडेमिक होने चाहिए और आपके पास 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट होना चाहिए. इट मस्ट हैव लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट. वो अपना 70% से ज़्यादा ओरिजिनल हैबिटेट लूज करी हुई होनी चाहिए. हॉटस्पॉट कवर्स 2.5% ऑन द अर्थ जियोग्राफिकल एरिया. जो हॉटस्पॉट है वो कवर करते हैं सिर्फ 2.5%, सिर्फ 2.5% ऑफ द अर्थ जियोग्राफिकल एरिया. तो 100% में से सिर्फ 2.5%. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बेसिकली दिस इज वन विच इज आज इन 2 से 2.5 नंबर की, बता दो कौन कौन से हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, कौन कौन से हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. तो हमारे पास टोटल 4 हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं और जो पूरे वर्ल्ड में है वो टोटल कितने हैं, 36 टोटल हैं, 36 टोटल हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 4 कहाँ पे हैं, इंडिया में है, जिसमें से 4 कहाँ पे हैं, इंडिया में है. तो वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न हिमालयस हो गया, इंडो बर्मा हो गया और संडा लैंड हो गया, आई गेस हाँ संडा लैंड है नाम इसका. तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, इंडो बर्मा और संडा लैंड आर द 4 वेस्टर्न आर द 4 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो आपके मेनी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं ये एक्सिस्ट करते हैं 2 क्राइटेरिया को. फॉर एग्जांपल द संडा लैंड हॉटस्पॉट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ट्रॉपिकल एंडीज हॉटस्पॉट इन साउथ अमेरिका हैव 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज. तो जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव पॉइंट था, यू नीड नॉट टू रिमेंबर इट. हाँ बट ये याद रखना इसका क्राइटेरिया क्या है और प्लस में कि कौन कौन से इंडिया के प्लेसेस हैं. तो एक बार फटाफट से रिवाइज करके आते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा. हमने जो क्वेश्चन देखा था दैट वाज इंडिया एज मेगा बायोडाइवर्सिटी, जो कि पूछा ही पूछा जाएगा, रट लो इस क्वेश्चन को. इसके बाद हमने इसमें 2 क्राइटेरिया देखे थे, क्या कि आपके पास कम से कम 5000 से ज़्यादा एंडेमिक प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए एंड सेकेंडली आपके पास मेराइन इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता होना चाहिए. इसमें से आपको जो कुछ रीजंस हैं वो भी लर्न होने चाहिए. ये तो जैसे कि बहुत सारे दिए हुए हैं, या कोशिश करना 5 से 7 तुम याद कर लो इसमें से, कितने 5 to 7 रीजन इसमें से आप याद कर लो. ओके, मैं इसे वाली पीडीएफ में भी ऐड कर देती हूँ एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये टर्म ओके, थोड़ा मोटा ले लेते हैं इसे हम. आई डोंट नो व्हाई इट्स हैंगिंग सो मच. जल्दी जल्दी चल जा भाई, बच्चे वेट कर रहे हैं. इंडिया एस मेगा बायो डाइवर्सिटी, आई होप लिख लिख के कर रहे होगे, है ना, लिख लिख के करना, भूलना नहीं है. इंडिया इज मेगा बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या देखा था कि टोटल कितने हैं, टोटल 17 मेगा बायोडाइवर्सिटीज हैं इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कितनी है, टोटल 17 हैं, जिसमें से वन ऑफ देम इज इंडिया, वन ऑफ देम इज इंडिया. अब उसके बाद क्राइटेरिया क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या होते हैं इसके, तो क्राइटेरिया हैं इसके कि आपके पास 5000 क्या होनी चाहिए, एंडेमिक प्लांट स्पीसीज, एंडेमिक प्लांट पीसेज. यार एक बार मैं देख लूँ ऑडियो शॉडियो सबसे रिकॉर्ड हो रही है ना सही. हाँ ठीक है, बिकॉज बीच में क्या हुआ ना, 2 बार रिकॉर्ड किया और दोनों बार ऑडियो ही नहीं आई, मैं पढ़ाती रह गई, ऑडियो नहीं आया तो कट करके दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा. नो इश्यूज विद दैट, आपके लिए कुछ भी. तो 5000 कितनी है हमारे पास एंडेमिक प्लांट पीसेज हैं और आपको क्या चाहिए होता है, मेराइन इको सिस्टम, आई गेस मेराइन इको सिस्टम चाहिए होता है ना. ये हमारे क्राइटेरिया होते हैं फॉर बीइंग अ मेगा बायोडाइवर्सिटी. इंडिया के पास कितने हैं, इंडिया के पास भैया बहुत सारा ढेर में ही मटेरियल प्रेजेंट है. इंडिया के पास तो 47 प्लांट स्पीसीज हैं एंडेमिक, 47,000. कितने एनिमल स्पीसीज हैं इंडिया के पास, 90,000.
और टोटल कितने हैं 1,37,000। ऑल राइट, तो 47,000 याद रखना है, उसके बाद 90,000 याद रखना है, एंड देन टोटल 1,37,000 अपने आप ही हो जाएगा एडिशन करके। नेक्स्ट आ गया 14 मेजर रिवर बेसिन है, डिफरेंट सीजन आते हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, कोस्टल बाउंड्री है, 5 डिफरेंट वर्ल्ड हेरिटेज है हमारे पास, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और हाई रेनफॉल होती है, और टाइप्स ऑफ सॉइल भी हमारे पास बहुत सारी है। तो इसके क्या हेडिंग है, दैट इज रीजन वाई इंडिया इज अ मेगा डायवर्सिटिक रीजन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, रीजन वाई इंडिया इज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इंडिया के पास एंडेमिक प्लांट स्पीसीज कितनी है, एंडेमिक प्लांट स्पीसीज कितनी है हमारे पास, कितना था, 47,000 आई गेस, यस। उसके बाद एनिमल स्पीसीज कितनी थी, एनिमल स्पीसीज कितनी थी हमारे पास, बताओ भाई, 90,000 थी, है ना। और टोटल कितना था एंडेमिक स्पीसीज का, टोटल कितना था एंडेमिक स्पीसीज का आपका, 1,37,000। इसके अलावा हमारे पास क्या थे, एग्जिस्टेंस ऑफ 1, 2, 3, इसके बाद आप याद कर सकते हो डिफरेंट सीजन्स हैं हमारे पास, है ना, डिफरेंट सॉइल्स हैं हमारे पास, 5 हेरिटेज साइट्स हैं हमारे पास, 15 रिवर बेसिन्स हैं हमारे पास, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैं हमारे पास, लिख लिया सॉइल्स वाला। तो ऐसे पॉइंट्स आपने याद करने हैं, जितने के जितने हैं, सारे के सारे लर्न कर लेना भैया, यहाँ पे मुझे जितने याद आए आई हैव रिटन ओनली दोज। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, दैट विल बी योर हॉटस्पॉट ऑफ बायो डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है आपसे। तो इस पीडीएफ में मैं वही क्वेश्चन लिख रही हूँ जो पूछे ही पूछे जाने हैं, मतलब जो बिल्कुल नल्ला बेरोजगार बच्चा है वो इन्हें याद कर लेगा तो काम बन जाना है आराम से, ठीक है। स्टिल ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रही हूँ कि अगर आप लास्ट मोमेंट रिविजन मार रहे हो तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी गलती से मत छोड़ना, रादर देन जितना पीडीएफ में लिख रही हूँ भाई उतना याद करोगे, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। अब हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, एक ही वाला पॉइंट भी था कि 2.4% जो है वो पूरे वर्ल्ड का लैंड इंडिया के पास है, जिसमें 8.1% आपकी जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी में प्रेजेंट है। एक हाई रेनफॉल छूट गया, एक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये छूट गया, और कोस्टल बाउंड्री के नाम पे, अरे हाँ ये लिखना भूल गई मैं, इसको भी मेंशन कर देती हूँ, व्हाई इंडिया, व्हाई इंडियन ओशन इज नोन एज, ओहो मिटोना पड़ेगा ये, चलो कोई बात नहीं लिख लो पहले यही चीज जो बता रही हूँ, कि टोटल वर्ल्ड का लैंड कितना है इंडिया के पास, 2.4%, और टोटल वर्ल्ड्स एंड टोटल डिफरेंट स्पीसीज कितनी है हमारे पास, 8.1% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और कौन सा छूटा हमारा, कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, अभी ये वाला जो कोस्टल बाउंड्री है इसी के ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, इंडियन ओशियन वाला, कौन सा वाला, इंडियन ओशन वाला। अब मैं क्वेश्चन बता देती हूँ क्या बनता है, वाई इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप इसका सीधा सा आंसर क्या लिखते हो, ज्यादा नंबर में नहीं आता, 2 नंबर में आ जाता है कभी कभार, और ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है इन शॉर्ट। तो क्या रीजन होता है कि जो आपकी इंडियन ओशन है उसके ऊपर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, इंडिया की है। तो इंडिया ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ओवर इंडियन ओशन, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन ओवर इंडियन ओशन, देन एनी अदर कंट्री, देन एनी अदर कंट्री, ठीक है। हेंस
और आगे की सब चीज के हेंस इंडियन ओशन इज नेम आफ्टर इंडिया. तो जितनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी और कंट्री की नहीं है, उतनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन की है किसके ऊपर, आपके नीचे वाले ओशन के ऊपर. दैट्स वाई दिस ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया एज इंडियन ओशन. चलो जी, ये भी हमारा हो गया. अब नेक्स्ट वाज अवर हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको दो टाइप्स के क्वेश्चन बताए. पहले आपसे पूछेगा कि क्राइटेरिया क्या होता है, जिसमें आप क्या बताओगे कि एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर एंडेमिक प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए. दूसरा क्राइटेरिया वॉज के वो हैव लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट. वो स्पीस अपना मोर देन 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट छोड़ चुकी होनी चाहिए. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपके इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, जिसमें से पहला क्या था वेस्टर्न घाट, दूसरा क्या था ईस्टर्न हिमालयस, थर्ड वॉर योर इंडो सुंदरबन इंडो बर्मा, और फोर्थ वन वॉज संडालैंड एंड फोर्थ वन वॉज संडालैंड. तो ये चारों के चारों हैं. इसका क्वेश्चन लिख लो कि क्या आएगा. हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे लग रहा है मुझे अपने पेपर के लिए पढ़ लेना चाहिए. मेरी बैग शहनाज है, डाइवर्सिटी बहुत परेशान कर रखा है भाई तुम लोगों ने. एक तो ईवीएस के लिए टीचर नहीं मिलते, अब मैं सोचती हूँ मेरे से अच्छा कोई पढ़ा भी नहीं सकता. एक होता है ना लाइक किसी ने भी पढ़ाया ना तो लगता है मैं शायद इससे अच्छा पढ़ा सकती हूँ, ये चीज़ मेरे अंदर बहुत है. दैट्स वाई किसी के और के पढ़ाने में संतुष्टि नहीं आती. अभी पीछे भी क्या हुआ था, I'm sorry, I'm talking in between, but सुन लो कि अभी पीछे भी क्या हुआ था, हमारी टीचर आकर के कोई चीज़ पढ़ा रही थी सब्जेक्ट ऑन द बोर्ड, एंड आई फील दैट आई कैन टेल और टीच 100 times बेटर देन हर. तो ये होता ही है जब आप पढ़ाते हो ना किसी चीज़ को, तो लगता है कि जैसा सामने वाला पढ़ा रहा है इफ़ इट्स नॉट ऑफ दैट लेवल तो लगता है कि इससे अच्छा हम पढ़ा सकते हैं. आई थिंक दैट समवेयर बैड एंड समवेयर गुड टू. ऑल राइट, अभी आ गया मेरा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसमें हमारा क्या क्वेश्चन आता है कि पहले तो क्राइटेरिया बता दो. क्राइटेरिया और जो 36 टोटल इन वर्ल्ड हैं उसमें से 4 इन इंडिया प्रेजेंट हैं, वो कौन कौन से हैं. तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया था, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयस, नेक्स्ट वॉज बिना देखे बताना इंडो बर्मा है ना, इंडो बर्मा. उसके बाद क्या पढ़ा था हमने लास्ट में, संडोलैंड. यही है ना, संडोलैंड ही है ना. हम एक बार भी चेक कर लेंगे, नो इश्यूज. क्राइटेरिया में क्या था, एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर एंडेमिक प्लांट पीसेस होनी चाहिए, और दूसरा वॉज क्या था, हैज लॉस्ट मोर देन 70% ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट. हैज लॉस्ट 70% ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट. ऑल सॉर्टेड, समझ में आ गया, डन है हमारी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कंप्लीटेड. अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज ऑन बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायोपायरेसी. ठीक है, दोनों चीज़ समझा देती हूँ. बायोपायरेसी, इसके बाद चैप्टर खत्म. यार एक छोटी छोटी डिफाइंस और रह गई, भूल गई मैं. ये सब क्या हैं डिफाइंस हैं. तो बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायोडाइवर्सिटी, इसके बाद आ जाती है एंडेमिक स्पीसीज, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, और क्या पूछा जाता है आपसे, वल्नरेबल. वल्नरेबल ये स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसके बाद बनाया, कहीं भूल जाओ इसे पढ़ना. ठीक है, स्टार बना देती हूँ सबके आगे. तो ये चार डिफाइंस हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, इसके एग्जाम्पल के साथ पूछी जाती हैं. ये वाली ना, ये भी है, छूट गई बीच में. ये विद एग्जाम्पल, कैसे विद एग्जाम्पल पूछी जाएगी कि मेंशन कर दो कोई सी भी चार एंडेमिक प्लांट स्पीसीज, मेंशन कर दो कोई सी भी चार एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज. तो इसकी डिफाइंस भी आती है विद एग्जाम्पल लर्न करना. अब जल्दी जल्दी हम समझा देते हैं. देखो ये रहा, आई गया, जो चीज़ अभी लिखवाई है वो तुम्हें हाथों हाथ दिख जाएगी कि एंडेंजर्ड और एंडेमिक. ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ यार एकदम करेक्ट है, सटीक चीज़ें बता रही हूँ. इन्हें लर्न कर लिया तो बात बन जाएगी, ट्रस्ट मी. बस लर्न कर लेना पीडीएफ को ध्यान से, छोड़ना मत. ये नहीं कि दीदी ने पढ़ा दिया, हो गया. इस पीडीएफ को डाउनलोड करके 3-4 बार अच्छे से रिव्यू करोगे, जो पीडीएफ में लिख लिख के पढ़ा रही हूँ उस पीडीएफ को देख लोगे, देन ऑल सॉर्टेड. कुछ बाहर से आके ही नहीं देना, प्रेजेंटेशन अच्छी रखना अपनी.
ठीक है, बार बार बोल रही हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छे रखना, खिचड़ी मत पका देना, ऐसे रखना कि टीचर तुम्हारा फेस से नहीं, तुम्हारी एग्जाम शीट से जज कर रही हो कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला है, भले ही तुम शरारती हो, क्योंकि दैट सेम गोज टू मी ऑल्सो। पूरे सेमेस्टर हम भी नहीं पढ़ते, इवेंट्स में लगे रहते हैं, इवन तो तुम्हें तो पता ही है कम्युनिटी संभालना इज सच्चा हेडेक इटसेल्फ। अभी भी तुम देख रहे हो मैं पढ़ा रही हूँ बैठ करके, एंड इट्स 31st टुडे ऑल राइट, और अभी 3 तारीख से मेरे भी पेपर है, और आज बना के वीडियो आज देनी भी है तुम्हें एडिट करके। तो इट्स सच्चा मतलब बहुत सारे इवेंट्स साथ में चल रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है तुम बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम से 2-3 पहले भी टाइम लगा करके पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे तो काम चल जाएगा, एग्ज़ाम शीट अच्छे से दे दोगे। आई हैव ऑल्सो पर्सनली स्कोर 9+ CGPA इन दिस सेमेस्टर, तो चल जाएगा नाम से, ठीक है। अभी एंडेमिक क्या है? एंडेमिक इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्फाइंड ओवर रिलेटिवली स्मॉल रेंजेस। ये वाली कौन सी होती है एंडेमिक? जिसकी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही प्रेजेंट है, मान लो जस्ट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया में ही वो चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि भी एंडेमिक वर्ड ही था जो अभी तुमने दोनों साइड ऊपर पढ़ा है, मेगा डाइवर्सिटी में भी और हॉटस्पॉट में भी, तो दीज आर प्रेजेंट ओवर अ वेरी स्मॉल रीजन। इसके एग्जाम्पल ये रहे, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट, जो अभी खत्म हो चुकी है, जिसका लास्ट इंडिविजुअल भी डाई हो चुका है, जिसका लास्ट इंडिविजुअल भी खत्म हो चुका है, लाइक पिंक पेंगुइन शायद ना उसका नाम है, तो जिसका लास्ट इंडिविजुअल भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, मर चुका है। एंडेंजर्ड क्या होती हैं? जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क है अब ख़त्म होने का, एंडेंजर्ड है, लाइक स्पैरो। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? स्पैरो, आई डोंट नो व्हाट आर द एग्जाम्पल मेजर्ड ओवर हेयर, बट जो स्पैरो है वो एंडेंजर्ड होने लगी है ना, लाइक टाइगर्स जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। ऐसे वल्नरेबल क्या होती है? जिन्हें खतरा है कि वो आगे आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगी, और वो ख़त्म हो रही हैं। वल्नरेबल इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड, बट इट इज़ फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, वल्नरेबल। तो चारों डिफाइंस आई होप समझ में आ गई होंगी, इसके एग्जाम्पल्स ये भर भर के दिए हुए हैं, इतने सारे याद मत करना बिल्कुल भी, एनी 3 याद कर लेना जिससे कि तुम्हें वहाँ एनी 2 याद रहे, अपर लिमिट में याद करना, ऐसा नहीं कि 2 ही याद रहे वहाँ जाके दोनों ही भूल गए, कम से कम 3 याद करोगे तो 2 याद रहेंगे, टेक ऑलवेज अपर लिमिट, ठीक है। 9 CGPA लाना है तो 9.5 सोच के चलोगे तब आएगा 9 सोच के चलोगे तो 8 भी अटक जाओगे, ठीक है। हमेशा अपर लिमिट का टारगेट रखा करो, ये नहीं कि 33 नंबर का टारगेट रखा था कि पास होने के लिए 33 चाहिए, 33 का ही लिख के आऊँगा, नहीं होगे पास, ठीक है, उससे ऊपर का ही टारगेट रखा करो। वैसे तुम पास होने वाले बच्चों में से नहीं हो, यू ऑल विल बी गोइंग टू रॉक, आई नो। लेट्स गेट स्टार्टेड द नेक्स्ट। रेयर और थ्रेटन्ड स्पीसीज क्या होती है? मैं एक टॉपिक लिखना भूल गई, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 2 डिफाइंस और हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू, ठीक है, इन पे भी आ जाता है डिफाइन लिखने को। अब थ्रेट्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी को, जस्ट एक बार रीड कर लेना कि क्या थ्रेट्स हैं, किस वजह से वो उसमें रह रही है ख़त्म होने के डर में। वी कैन स्टॉप पोचिंग, पोचिंग के बारे में, हाँ पोचिंग की एक बार देख लेना, इसमें लिखा नहीं है। पोचिंग इज़ द पोचिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इलीगली आई गेस एनिमल्स को हंट करना इज समथिंग कॉल्ड पोचिंग। तो पोचिंग की डिफाइन नहीं, हाँ, बट ये जो मेजर्स हैं जस्ट रीड इट वंस। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगेन अ टॉपिक ऑफ रीडिंग, नहीं आते क्वेश्चन, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि क्वेश्चन नहीं आते, जस्ट आई एम राइटिंग अ रीड ओवर देयर, जैसे कि अगर आ भी गया बाई चांस तो तुम मुझे गालियाँ ना दो, तुम्हें लगे कि हाँ दीदी ने बोला था, तो एक बार रीड कर लिया है। जिन सीज पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार मार्क कर रही हूँ उसे रट के जाना है, ऑल सेट। नेक्स्ट आ गया इन सीटू और आ गया यहाँ पे एक्स सीटू। अगर वोकैबुलरी बताऊँ तो इन सीटू मतलब होता है ऑन साइट, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे रख के उन्हें प्रोटेक्ट करना इज कॉल्ड एज इन सीटू। उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के उसको प्रोटेक्ट करना, ये किस केस में करते हो आप? जब वो स्पीस ज़्यादा ही वल्नरेबल है, ज़्यादा ही एंडेंजर्ड है, उस केस में आप उस स्पीस को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के प्रॉपर जो आपकी क्या होती हैं बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, आपके टिश्यू कल्चर होते हैं, आपकी कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, इसमें रख के उन्हें आराम से संभाल के रखते हो कि ये जल्दी एंडेंजर्ड ना हो जाए। ऑल सेट फॉर द डे। रिकॉर्डिंग तो नहीं रुक गई? नहीं, ठीक है। अभी यहाँ आ गया इन सीटू, यहाँ पे आ गया एक्स सीटू, ऑल सेट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन साइट उन्हें प्रोटेक्ट करना और उनके नेचुरल हैबिटेट्स में इस कॉल्ड एज इन सीटू। इसके एग्जाम्पल ये नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक्स सीटू वही लिखा हुआ है कि वो जब थ्रेटन्ड है ज़्यादा ही, एंडेंजर्ड है ज़्यादा ही, तो उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के एक स्पेशल प्लेस पे रखा जाता है, जहाँ पे उन्हें प्रोटेक्टेड और प्रोवाइडेड विद नेचुरल ग्रोथ से उन्हें बड़ा किया जाता है। इसे क्या बोलते हो? एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है ना, जैसे कि अगर कोई बच्चा छोटे में सही से बॉर्न हो गया है तो उसे घर में ही रखा जाता है, नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाता है, बट व्हेन इट इज़ नोन कि वो
बिफोर बर्थ हुआ है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो उसे नर्सरी में रखते हैं. वाई? बिकॉज इट इज़ नीडेड विद स्पेशल ट्रीटमेंट. उसको स्पेशल ग्रोथ करवाई जाती है कि उसमें अगर कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो ढंग से हो जाए. एज सच यहाँ पे होता है इंसिटू में, जो एनिमल्स अभी ठीक हैं एज सच बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड नहीं है, उन्हें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाता है, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह. प्लस में जो आपके ज़्यादा एंडेंजर्ड हैं, जिन्हें ज़्यादा थ्रेटन है ख़त्म होने का, उन्हें हम अलग से ग्रो करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के स्पेशल प्रोटेक्टेड और न्यूट्रिएंट ग्रोथ के साथ अलग प्लेसेस पे, लाइक बोटानिकल गार्डन्स, एक्वीकल्चर, ये सब टिश्यू कल्चर वगैरह. ऑल सॉर्टेड, समझ में आ गया. आई होप अपनी साइड से बेस्ट पढ़ा रही हूँ. ऐसा कोई मुझे पढ़ा देता तो आई कैन टॉप. अभी भी कोई पढ़ाने वाला नहीं है, अभी भी पढ़ना है अपना जाके. फटाफट से माइंड करते हैं. लास्ट आ गया आपका बायो प्रोस्पेक्टिंग, और द लास्ट ओवर हेयर इज बायो पायरेसी. खत्म चैप्टर, ऑल सेट फॉर द डे. तुम्हारा 1.5 घंटा बहुत परेशान किया मैंने, आई नो. स्टिल वी आर ओवर विद दिस. फाइनली, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? टू प्रोस्पेक्ट द बायो डाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें प्रोस्पेक्ट करना सबके मेडिकल एक्सपेक्ट्स में, कमर्शियल एक्सपेक्ट्स में, न्यूट्रिशन एक्सपेक्ट्स में, उनकी बात करना इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियली, इकोनॉमिकली, फार्मेटिकली, उनके ऊपर बात करना इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग. इसकी डिफाइन इसी में से कोई सी भी एक लाइन उठा के लिख दोगे तो चलेगा. ठीक है, ऐसा जितना बड़ा लिखने की नीड नहीं है, 2 नंबर से 2.5 नंबर में ही पूछी जाएंगी दोनों डिफाइंस. स्टार मार्क कर दूँ, पूछी जाती है भाई, इसे छोड़ने की गलती नहीं करनी गलती से भी. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बायो प्रोस्पेक्टिंग इज परफॉर्म ऑन लेस वेंचर्ड इकोसिस्टम लाइक सीज और ओशियंस. और यहाँ पे लिखा हुआ है कमर्शियलाइजेशन, डिस्कवरी करना, उनकी प्रोडक्ट बेस बनाना, उनके ऊपर की कौन कौन से प्रोडक्ट तुम यूज़ कर सकते हो, उनके उनसे ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन होती है ये हर एक नेचुरल मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, उनके है ना, कि उसके हर एक नेचुरली कंपाउंड पे, मॉलिक्यूल पे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, उनके बारे में नॉलेज गेन करना, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे उसकी नॉलेज गेन करना इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग. एज प्रोस्पेक्टिव होता है ना वर्ड, इज प्रोस्पेक्टिव नज़रिया, प्रोस्पेक्टिव इज नज़रिया. तो इसी चीज़ से याद रखना, बायो का प्रोस्पेक्टिव देख रहे हो, बायोडाइवर्सिटी का प्रोस्पेक्टिव देख रहे हो, इसका मतलब उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आप बात कर रहे हो, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन कर रहे हो. नेक्स्ट आ गया बायो पायरेसी. पायरेसी मतलब पायरेट, पायरेट, पायरेट आता था ना जैक एंड कोई सा कार्टून था जिसमें पायरेट आता था काना होके. तो पायरेट मतलब क्या होता है? चोर, है ना, चोरी करना, पायरेट करना. तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई रिसर्चर या कोई साइंटिस्ट किसी और की चीज़ पे विदाउट परमिशन या इलीगली काम करता है, उसे आप क्या बुलाते हो? बायो पायरेसी. अब इसकी अच्छी वाली भाषा भी पढ़ लेते हैं. जब रिसर्चर और साइंटिस्ट यूज़ sources from nature and traditional knowledge without permission and exploit the indigenous culture they are getting information from, है ना, जब वो without permission हमारे nature से छेड़ाछाड़ी करते हैं किसी resource को लेने के लिए, but the whole thing is illegally या फिर बिना permission के, इस चीज़ को ही आप क्या बुलाते हो? Biopiracy. Use of bio resources multinational companies and other organization without any systematic approval of the nation or its related people without any compensatory payment is called as biopiracy. जब कोई multinational company भी किसी natural extract को use करती है without permission of the government, then it is also called as biopiracy. Basically the thing is, जो तुम पार्क में जाके आम तोड़ के खाते हो, बायो पायरेसी है. नो, नॉट लाइक दैट. इफ़ यू आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट इन अ लार्ज स्केल और आर कॉन्टेमिनेटिंग देम, देन इट इज़ कॉल्ड एज बायो पायरेसी. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और यहाँ पे मेरी प्यारी सी फोटो आ जाती है. आई विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ोगे आई होप. मैंने कपड़े भी बदल लिए बीच में जा करके, ब्रेक लिया था हमने और बहुत दिक्कत भी हुई, लाइक ये पेन टैब रुक गया था चलने के लिए. सो ऑल अबाउट दैट. अभी आपका नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे होंगे सेकंड चैप्टर पे, दैट इज़ पॉल्यूशन पे. और इस वीडियो के बाद फटाफट 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 दिन में 2-2 अपलोड्स करके हम पूरे आपके जो सिलेबस है उसके वन शॉट्स रिलीज़ कर देंगे. होप सो वन शॉट्स पसंद आ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे. और अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो वाई नॉट डिपेंडिंग ऑन द वन शॉट्स ओनली. नोट्स पूरे के पूरे साइट पे अवेलेबल हैं. साइट का लिंक आई विल बी मेंशनिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मस्ट जो टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, टॉपिक वाइज वीडियोज जिस सब्जेक्ट की अवेलेबल है वो मिल जाएगी आपको, प्रीवियस ईयर का मिड सेम का पेपर मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी कोशिश कर रहे होंगे देने की. तो बहुत सारी चीजें हैं यार, फटाफट से जाके एक्सेस करो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्स को रॉक करने की कोशिश करो. और अभी मैं भी पढ़ने बैठ जाती हूँ, बहुत देर हो गया. तुम्हारा 1.5 घंटा की वीडियो बनाने के लिए ना एटलीस्ट 5 घंटा लगता है. यूट्यूब पे अपलोड करना, एडिट करना, मर्ज करना, ऑफ ऑलराइट, ऑल सेट फॉर यू. बाय बाय.